जंगल की लेडी लीडर, जिनकी दहशत से दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। एमपी हो या एमएलए, कलेक्टर हो या बड़े से बड़ा मंत्री, सभी उनके कदमों में अपना सर झुकाते हैं। उनका नाम है शैलजा रेड्डी। अगर उन्हें पता चल जाए कि कोई मर्द किसी औरत पर जुल्म कर रहा है तो उनका खून खौल उठता है और वो उसे इसकी भयानक सजा देती हैं। ये हट जाइए, हट जाइए, जगह दीजिए। अबला औरतों की लाज बचाने वाली, दुश्मनों को धूल चटाने वाली एक ऐसी निडर शेरनी जो अपने गुरूर से अच्छे अच्छों तक को झुका देती है। मुझे घर से निकाल दिया है अम्मा, अब मैं बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? पुलिस हो या गुंडा, वो किसी से नहीं डरती। अरे क्या है, उन्होंने एक बार जो फैसला कर दिया पूरे गांव के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। यहां तक कि पुलिस वाले भी उनके फैसलों को अदालत के हुक्म की तरह मानते हैं। मौत से बचना आसान है, पर शैलजा रेड्डी के पंजे से बचना नामुमकिन है। शैलजा रेड्डी की शोहरत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 17 एमपी, 84 एमएलए सभी उनके इशारे पर नाचते हैं। यहां तक कि राज्य का मंत्री चुनने से लेकर पंचायत के बड़े बड़े फैसले तक शैलजा रेड्डी खुद करती हैं। उनकी नजरें जब भी उठती दुश्मनों पर कहर बरपाती। दुर्गा की तरह दुष्टों की छाती पर सवार होकर उनकी जिंदगी छीन लेती। वो गुनहगारों के लिए जितनी खूंखार हैं, गरीब और मोहताज लोगों के लिए उतनी ही दयावान भी हैं। वो गांव वालों के लिए मसीहा हैं, उनके सुख दुख में मददगार। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से कहते हैं शैलजा अम्मा। शैलजा अम्मा की जय हो। बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में मिला था ये बिजनेस चैंपियन अवार्ड, ऐसे बहुत से हैं। क्यों आंखें फटी की फटी रह गई? अंकल जी नमस्ते। सर आप जैसे बिजनेसमैन के साथ काम करना हमारी खुशकिस्मती है। जहाँ भी आपके कदम पड़े वहाँ अवार्ड और रिवॉर्ड की बारिश होती है। बड़ 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 आपके आगे हमारी क्या औकात है। इज्जत और शोहरत की चाहत ने आपको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ पहुँचने के लोग सपने देखते हैं। सर आप असाधारण हैं। ये सिर्फ चाहत ही नहीं बल्कि ये मेरा जुनून है। क्या बात है, आप जैसे महान व्यक्ति से हमारा रिश्ता जुड़ पाना हमारी खुशकिस्मती है, हमारी तकदीर है। चलिए प्लीज कम। सर वक्त हो गया है, छोटे मालिक अभी तक नहीं आए। तुम फिक्र मत करो, हम शुरू करते हैं, वो हमें बाद में ज्वाइन कर लेगा। एंड ही इज माय सन, ही विल बी ऑन टाइम। आर यू रेडी? सॉरी बॉस, थोड़ा लेट हो गया। कीज? कोई बात नहीं, लाओ दो। बॉस जब मैं आपको कीज दे ही रहा हूं तो सच का भांडा भी फोड़ देता हूं। मैं अपने पिताजी घटोत्कच के साथ घास छीलने गया था। Okay. लीजिए कीज। बॉस मुझे लगा था कि आप मेरी तशरीफ पर इतने डंडे बरसाओगे कि मेरी नरम तशरीफ सूझकर तंबूरा बन जाएगी, पर आप तो देवता निकले। जब तुमने कीज मांगी थी मैं तभी समझ गया था कि आज तुम जरूर कोई कांड करने वाले हो। अब कीज मिलेंगी प्लीज। बॉस वाह, मेरे पैदा होने से लेकर आज तक मेरा सगा बाप भी मुझे नहीं पहचान पाया, पर आपने एक झटके में मुझे पहचान लिया। वाह कीज बॉस। अब तुम्हारी बकवास की वजह से और लेट हुआ ना तो तुम्हारी तशरीफ का तंबूरा बने ना बने मुझे डैड की डांट खानी पड़ेगी। कीज कैसे कैसे चीप लोग रिश्ता लेकर आ जाते हैं, उन्हें अंदाजा भी है इस रुतबे शोहरत को पाने के लिए मैंने कितना सैक्रिफाइस किया। और तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी उन ट्रॉफीज के बारे में बात करने की? माफ कीजिएगा सर, मुझे लगा उनकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ेगी। हाँ, इज्जत बढ़ेगी, अब ये इज्जत बढ़ाएंगे। नॉनसेंस। क्या मुसीबत है? अब क्या हुआ? तो कैसी लगी बहू? बहू अच्छी है। अच्छी है ना? तांती मैं चाहता हूँ कि तुम अपने नलम नलम हाथों से
मेरे घर पर गलम गलम पकौड़े बनाओ। मैंने देती घी भी मंगा लिया है। तुम पकाना, मैं खाऊंगा, फिर ऑफिस जाके दम के कमाऊंगा। बाबू जी, ये मिडिल क्लास वाले डायलॉग्स बोलकर किसको इम्प्रेस कर रहे हैं? ये मेरी बेटी, इसको इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं है। पहले तुम्हें मेरा दिल जीतना होगा। हाँ जी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, बस एक बार शादी हो जाने दीजिए, ये सबका दिल जीत लेगा। क्यों बेटा? यही चाहता हूँ। अब रस्म शुरू कीजिए, मेरे बेटे को अपना दामाद स्वीकार कीजिए और अपनी बेटी का कन्यादान करके हमें धन्य कीजिए। आपको लड़की पसंद है, लेकिन हमसे नहीं पूछेंगे लड़का हमें पसंद है कि नहीं। जी, ये आप क्या कह रहे हैं? तुम चुप रहो। मैंने कहा था मैं लड़के से मिलना चाहता हूँ और आप बाजे गाजे के साथ आ गए, ताकि आप मुझे अपने झांसे में लेकर जल्दबाजी में हाँ बुलवा सके और फिर मेरी बेटी के नाम जो भी जायदाद है उसे हड़प कर सके, है ना? ऐसा नहीं है सर, आप ही ने तो बुलाया था, हम तो परंपरा निभा रहे थे, इसलिए पंडित जी को आशीर्वाद लेने के लिए साथ ले आए। हाँ, ये परंपरा वरंपरा बाद में, पहले लड़का पसंद आना चाहिए। दुनिया भर के रईस आएंगे मेरी बेटी की शादी में, अगर उन्हें पता चला कि मेरा होने वाला दामाद एक 2% की कंपनी का ओनर है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। बुरा मत मानिएगा, पर 2 कौड़ी के लोगों के साथ रिश्ता रखना मुझे पसंद नहीं। आपके साथ रिश्ता जोड़कर मैं अपने स्टेटस को आपके लेवल पर ले आऊं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। नौ बड़े बड़े ख्वाब देखने से पहले जरा अपनी औकात को देखिए। समधी जी, ये तो बरसों से हमारे पुरखों की परंपरा रही है, हम अपने पंडित जी और परिवार वालों के आशीर्वाद के बिना कोई भी काम नहीं करते। आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हैं? ये रीति रिवाज और परंपरा की बात प्लीज आप मुझे मत सिखाइए, एंड प्लीज सबसे पहले आप मुझे समधी जी कहना बंद कीजिए। अभी तक मैं आपका समधी बना नहीं हूं, समझे? आपसे रिश्ता जोड़ने का मतलब है इज्जत की बर्बादी करना, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट गंवाना। और अपना बस भी कीजिए, हम अपने बेटे के लिए यहाँ आपसे अपनी बेटी का हाथ मांगने आए, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुझे कोई और मिल जाएगी, तू टेंशन क्यों लेता है? मैं मानता हूँ कि हम आपकी तरह रईस नहीं है, मानता हूँ कि मेरे बेटे की कंपनी बहुत छोटी है, पर हम आपकी तरह अपनों की खुशियों का गला नहीं घोटते, बल्कि उनकी खुशियों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ उठाकर उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और रियली ये कोई रूल है? लोगों की खुशियों की खातिर हम सरेआम अपनी हैसियत और इज्जत का जनाजा निकालते हैं? तौली अंकल, पापा से गलती हो गई। बात सिर्फ गलती की नहीं, अगर इनसे गलती हुई होती तो मैं कुछ नहीं बोलता। इन्होंने हमारे जूते में पैर डालने की कोशिश करके हमारी बराबरी करने की गलती की जो माफी के काबिल नहीं। मैंने गलती की? पापा प्लीज। अरे आपकी हैसियत ही क्या है जो हमें माफ करे? मेरे ही घर में घुस के चुप रहे, बदतमीजी कर रहा है, गेट आउट ऑफ माय हाउस राइट नाउ। अरे रुकना भी कौन चाहता है बेटी, जब तक तेरे बाप में इतना गुरूर है, याद रख तेरी शादी कभी नहीं हो सकती। यू आर ट्राइंग टू कर्स माय डॉटर, मेरी हिम्मत कैसे हो? निकल यहां से, बोल ना, बंद कर रहा हूं। क्या जरूरत है हर बात के बीच में ईगो लाने की? आप हमारे लिए कोई और पापा नहीं ला सकती थी क्या? उनकी वजह से ही तो मुझे इतने प्यारे बच्चे मिले हैं। क्या बात है, आपके हिसाब से हमेशा हम ही गलत होते हैं, उन्हें ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है। पर ऐसा ही चलता रहा तो शांति की शादी कब होगी माँ? जरूर होगी बेटा, मेरी माँ हमेशा मुझसे कहा करती थी भगवान सबकी जोड़ियाँ बनाते हैं, इसकी भी होगी। बस करिए भाई, इन्हें समझा के फायदा नहीं, ये हमारी माँ बाद में है, पहले पापा की वाइफ है, इन्हें तो पापा को समझाना चाहिए ना, पर ये तो उनका ही साथ देती हैं। तुम ही दोनों क्यों नहीं समझाते? एक बार कोशिश करोगे तब पता चलेगा। सब कुछ जानते हुए भी बेकार की बातें करते हैं। ऊपर वाला सोचता होगा घर नहीं चिड़िया घर बनाया है। सर, 100 कमीनों के मरने के बाद तुम्हारो डैड ने जन्म लिया होगा, बुरा तो नहीं लगियो? चारी सर, ये कौन है? इस वक्त हम लोग धरती पे ही है ना? धरती पे ही है, लेकिन ये तो देवलोक से आई कोई अप्सरा लगती है। बापू, लगता है शॉर्ट सर्किट थई गयो, उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया। लगता तो है। अब तक खड़ी है मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो। लागे रहो सर, पूरी बॉडी स्कैन करो, नाखून चमड़ी बाल सब स्कैन कर लो।
लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या? जाकर पता करो। एक्सक्यूज मी, खड़े खड़े बदन सुखा रही हैं? तुम अब आ रहे हो? एक घंटे से मुझे घूर रहे थे तब होशनी आए। अपना एरिया में अपने से हुल पट्टी, आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं क्या? ये एड्रेस, मैं अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ। एक घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी ना? मैं तुमसे अगर एड्रेस पूछूं, मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे एड्रेस बताओगे? किसी घुसखोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है। हाँ, चलो एड्रेस बताओ। लो तुम्हारा फोन तो बताता हूँ। ये गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है। ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है, शायद आप वहीं रहने आई होंगी। वो गॉड, कहाँ मर गए ये लोग? फ्रेंड्स आने वाले, आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना, जैसे ही आपके फ्रेंड्स आएंगे हम उन सबको ऊपर पहुँचा देंगे। चलो ने मैडम, गृह प्रवेश कर लीजिए, क्या पता अंदर जाने के बाद आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करे। आमिर खाने को रोशन कीजिए। कोयल ने भी एंट्री पास कर दी। आ जाओ मैडम, फूल भी आपके पैर चूमकर आपका स्वागत कर रहे हैं मैडम। आवो मैडम, आइए आवो, आवो, ये लीजिए। एक मिनट, लेफ्ट लेग फर्स्ट, लेफ्ट लेग केम पप्पू। खड़े खड़े भाभी मिल गई सर। सारू जे अनु, अरे बंगला उस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रही है? गांडी दोस्त हमेशा गलत टाइम पे आ जाते हैं। सॉरी, गूगल मैप्स ने तो यही बंगला दिखाया था, शायद मुझसे कोई गलत फहमी हो गई। हमारी चूक नहीं मैडम, ये 100 ग्राम की काली कोयल। चुप, पनौती चिकन की हड्डी ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आप तशरीफ ले जाइए। रुक रहे, तमने नहीं मैडम, इन आवारा फूलों को सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी भाभी समझ बैठते हैं? इनको तो मसल देना चाहिए। क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी? बंगला कहाँ है? बंगला सामने है। अरे सुन चिकन की हड्डी, क्या इस एंटीक पीस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरे तेलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है। ये शैलजा रेड्डी की इकलौती बेटी है। नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे 100 कदम आगे है। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। लगभग 5 साल पहले दोनों के बीच का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर था, जैसे कि दोनों सहेलियां हो। इन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों जरूर पिछले जन्म की बहनें हैं। फिर एक दिन एक घटना घटी। इनके गांव में तब सिर्फ एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल था। गांव की हर औरत की डिलीवरी की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर पर थी। तभी शैलजा रेड्डी को कुछ पता चला। आज तक तुमने यहाँ 55 डिलीवरी करवाई है, सारी की सारी सिजेरियन थी, एक भी नॉर्मल नहीं। आखिर तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर जल्लाद हो तुम। गरीब गांव वालों को धोखा देकर लूटते हुए शर्म नहीं आती? हेलो मैडम, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। अपनी आवाज जरा नीचे रखिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। आप जहाँ खड़ी हैं वो मेरा हॉस्पिटल है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? देखिए, ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं, जहाँ फ्री में डिलीवरीज करवा के सारे खर्चे अपनी जेब से भरती रहूं। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, तुम भी उस दर्द से गुजरी हो ना, क्या तुम उस दर्द को भूल गई? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भी सिजेरियन हुआ था, और अगर आपको इससे इतनी ही तकलीफ है ना, तो एक हॉस्पिटल खोलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दीजिए। अपनी हद में रहो, जो तुमने कहा है मैं करके दिखाऊंगी। अब ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा, और अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाई ना, तो जिंदगी में किसी को लेक्चर मत देना। देखती जाओ। शैलजा रेड्डी के गुरूर को उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगा, और उन्होंने अनु को डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। What is this, मम्मी? आपको लोगों की मदद करनी है तो कोई और तरीका ढूंढिए, मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसा नहीं है अनु, उस डॉक्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती की, तुम्हें डॉक्टर बनकर उसे सबक सिखाना होगा। आपका ईगो शांत करने के लिए मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मैं आर्ट्स ही पढ़ूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? आप मुझे अपनी मर्जी के बिना एक डॉक्टर बनाना चाहती हैं? अनु बेटा शांत हो जाओ। अनु बदतमीजी मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं नहीं मानने वाली। अनु ने सबके सामने अपनी माँ के अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शैलजा रेड्डी को इस बात से इतनी ठेस पहुँची कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अनु से आज तक बात नहीं की। मम्मी देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ, और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। अनु ने उनसे बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने हर बार नजरअंदाज कर दिया। हर हाल में हम सबको एक रहना है,
उसके बाद मैं देख लूंगी वो। शैलजा जी, कब तक इससे बात नहीं करोगी? आखिर ये हमारी बेटी है। अगर शैलजा रेड्डी अपनी ही बेटी पे हुक्म नहीं चला सकती तो किस हैसियत से दूसरों पे हुक्म चलाएगी? इसने मेरा अपमान किया है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरा कहा मानती, पर इसने मेरे अरमानों का गला घोट कर ठेस पहुंचाई है। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। पहले मुझे उस डॉक्टर ने जलील किया, फिर इसने जलील कर दिया। इसने एक बार भी मेरी इज्जत और ओहदे के बारे में नहीं सोचा। अब मैं इससे तभी बात करूंगी जब ये डॉक्टर बनेगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरी अपनी ही माँ मुझे नहीं समझ पाई, तो मैंने सोच लिया कि जब वो खुद मुझसे बात करने आएंगी मैं तभी उनसे बात करूंगी। ये क्या फालतूगिरी है? फालतूगिरी नहीं, बीमारी है। दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है। और आपकी किस्मत कैसे झंड हुई? हाँ, कॉलेज में साथ है, वही फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का नाम देके बदनाम मत करो, क्योंकि असल में ये अत्याचार है, जबरदस्ती की जोड़ी है। बात में दम है। खाना खुद खाती है या वो भी खिलाना पड़ता है? उसके लिए भी असिस्टेंट रखा है, वो देखो कुमारी। वो सांस लेना खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं। ऐसा लगता है वो अनु के लिए ही पैदा हुई है। अनु को झुकने के नाम से ही नफरत है, कुछ गिर जाए तो कुमारी उठाती है। अकरू है, बाय। ओके बाय। भाई यार, छोकरी का एटम बम ज्यादा लागे छे। पर एक बात बोलो, ये वही है जो आपके डैड को सुधार सकती है? आप बस भाभी को घर ले आइए, बाकी वो संभाल लेगी। बेन आ करो ने। कॉलोनी अच्छी लगी ना? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सौजन्या है, मेरी बहन की दोस्त। ये मेरे लिए बहन जैसी है। इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए इनविटेशन दे रहे हैं। अगर तुम आज आ पाओगी, मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इसे अच्छा लगेगा। हे, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? शायद तुम इसे नहीं जानती, पर ये कॉलोनी के सभी लोगों को इनवाइट कर रही है, इसलिए तुम भी आओगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। एक कार्ड दो ना, क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो चैतन्या? अगर ये मेरी शादी में नहीं आएंगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। पहला कार्ड मैंने इन्हीं को दिया था, उसके बाद ही मैंने बांटना शुरू किया। मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? बचपन से, जब हम इत्तू से थे तब से। हाँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई से लेकर मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ इन्होंने ही उठाई हैं। मेरी माँ नहीं थी, पर इनके रहते मुझे मेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं तो मंदिर में शादी करने जा रही थी, लेकिन अनु ने मुझे आकर रोक लिया। मेरी शादी का सारा इंतजाम, कपड़े गहने से लेकर होटल बुकिंग्स तक, सब इन्होंने ही संभाला। मारी बहन बहुत अच्छी से, ये हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखे है और उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। अनु हार्ट बहुत अच्छो है। ग्रेट। या, I'm always great। शाम की तैयारी हो गई? एकदम। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसे तो मैं बिगड़ी और नकचड़ी समझ रहा था, लेकिन ये कुछ और ही निकली। बॉस, एक बात क्लियर कर दूं तुमने, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती एनाकोंडा है, हमें जिंदा निकल जाएगी। और ऐसी कुल्हाड़ी पर आप अपना सर पीटने जा रहे हो? कहना क्या चाहते हो? मतलब आप सू करो छो सर। नींबू का अचार ना खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, मुंह पे लगा के मुंह जलाने के लिए नहीं होता है। एक तो पहले से आपके घर पे डैड के रूप में सुतली बॉम्ब पड़ा हुआ है, और तो और आप मिसाइल लाने की भी बात कर रहे हो। चारी, गुलाब में कांटे होते हैं, अनार पर एक सख्त परत होती है, और चॉकलेट पर रैपर होता है, तो क्या इनका मजा ना ले? बिल्कुल नहीं, इन्हें आराम से खोलकर खाते हैं। वैसे ही पापा और अन्नू पर गुरूर का एक कवर चढ़ा है, लेकिन उनसे प्यार तो कर सकते हैं ना? समझी गयो सर। या इस अनार के चक्कर में आप अनाड़ी बन गए हो, और आपको प्यार व्यार कुछ हो गया है सर। एक बात याद रखो चारी, हर किसी के मोहब्बत के पीछे दर्द भरी कहानी छुपी होती है, उस दर्द को सहकर ही हमारी मोहब्बत सफल होती है। जैसे दिल का दर्द। या ठीक है सर, आज और अभी से मैं आपका चेला बनकर आपकी मदद करूंगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? माय
होनहार कॉलेज के होनहार स्टूडेंट। सर, चाचा शेरू ने कहा था आराम होनहारों का काम है। शट अप, हम नेक्स्ट वीक के आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने आए हैं। हमें शॉर्टकट कंपनी के एमडी मिस्टर चैतन्य की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला है पूरा 10 लाख का, लेकिन उसका भी एक शर्त है मैन, हम लोगों को उसका एक जानदार पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करने को मांगता। जानदार क्या, शानदार भी बना दूंगा। अभी पिछले हफ्ते मैंने एक तस्वीर बनाई थी मेरे पड़ोस के खड़ूस अंकल की, अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चढ़ा है क्योंकि वो खुदा को प्यारे हो गए। अगर वो एमडी भी मर गया तो 10 लाख क्या तुम्हारा बाप देगा मैन? तुम रहने दो, एक तो 1.5 साल से कॉलेज का फीस नहीं दिया, ऊपर से आने वाले पैसे को पनौती लगा रहा है। सिट डाउन माय डियर अन्नू। ये ना हमारे कॉलेज का मोस्ट प्रेस्टीजियस इशू है और पिछले आर्ट एग्जीबिशन में तुम चैंपियन रह चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता है कि एमडी का पोर्ट्रेट तुम ही बनाओ, दैट्स इट। और इस साल भी आर्ट चैंपियन तुम ही कोई बनाएगा। ठीक है, कल आप बुला लीजिए। सर 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 सर, मैं पेंटर को ले आया, इनको चूना लगाना, मतलब पेंट। अरे अनु सर, मैं से पहले से ही जानता हूँ, पिछले जन्म में साथ में ही थे। हाय अनु, केम छो अनु। सर आप इसी एमडी की बात कर रहे थे? हाँ हाँ यही है सर, अपना आधार कार्ड तो दिखाइए। सर ये इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी के महान। अगर तुम लोगों को पेंटिंग बनवानी है तो नो तारीफ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ओह गॉड, 10 लाख का सवाल है अनु, प्लीज पोर्ट्रेट बना दो और मत भूलो तुमको ये फर्स्ट प्राइज भी देगा। क्या सच में बनानी होगी? यस माय डियर। ठीक है, शाम को तुम दोनों राइट टाइम पे आ जाना, मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। बेटा अनु okay, सुनो, ये जब शाम को आएगा ना तब इसका ऐसा पोर्ट्रेट बनाना कि ये खुश होके 1-2 0 और बढ़ा दे। 6 महीने से जो चवन्नी अकाउंट में पड़ी उसको भी जंग लग गया है। सुनो टिप टॉप बन गया। थैंक यू डियर, काम बन गया। थैंक यू सो मच सर, आपने लाइफ बना दी। लाइफ तो आप हमारा बनाएगा, वरना ये अकड़ू लड़की एक बार कमिटमेंट करती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनती है। ये दबंग की छोटी बहन घमंड है सर। चालू थी जाओ। तुम दिखाई नहीं दे रही हो। क्यों, मुझे क्यों देखना है, मेरी आंखों में देखो। ओके, बिल्कुल झील जैसी आंखें हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। आंखों में नहीं, नाक को देखो। उफ, ये नखरा और ये अदाएं, ऊपर से नाक पर गुस्सा कमाल है। वैसे तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह क्यूट हैं, मैं उन्हें देखता हूँ। सर आप कोई सेल बाजार में थी? मैडम जा कह रही है वहीं पर देखो, आर्टिस्ट की बात नहीं मानोगे तो आर्ट की वाट लग जाएगी, है ना मैडम? बेन फ्रूट लियो। अभी तो एक ही लाइन खींची है, इतनी जल्दी भूख भी लग गई? चारी बेचारी को भूख लगी होगी। यू कंटिन्यू अनु, यू कंटिन्यू। वाह, आपके हाथ की कमाल की कारीगरी देखकर आईना जेरी ने राग थी जैसे, आप तो लेडी पिकासो हो मैडम। सच में? हेलो सर, फोन तो मेरे पास है पर ब्लूटूथ मेरे कान में है ना। हाँ समझ गया समझ गया। अनु सॉरी अर्जेंट कॉल, एक काम करो ये सब लेकर शाम को घर आ जा। हाँ क्या? चारी इसे घर बुला लो और ऑटो का खर्चा दे देना, ठीक है? ओके बाय। हाँ ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सर कल ही आपको वड़ा पाव के लिए 10 रुपए दिए थे। सर बात 1 घंटे की हुई थी और आप 15 मिनट में बाहर आ गए। एक ही दिन में पूरा 1 घंटा साथ बिताकर खत्म थोड़ी करूंगा, सोचा 4-5 दिन 10-10 मिनट मिल लूंगा है? किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह। सो आइडिया छे बॉस, अपने प्यार की धीरे धीरे चोंच मारकर उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो? Yes. क्या बात है। ब्लूटूथ ऑफ कर दूं सर? चारी सॉरी। ओके नगो, क्या हुआ अनु, पोर्ट्रेट बन गया? सर लोग मेरे हाथ से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो खुद को समझता क्या है? पोर्ट्रेट बनाते वक्त अचानक चला गया और मुझसे कहता है कि शाम को घर आ जाना। अरे रे, 10 लाख वाटर में चला जाएगा, शांत हो जा, उसको घर में कोई वर्क होएगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो उसने भी मांगी थी तो फिर? लेकिन मैं जो हर्ट हुई। छोटी छोटी बातों से हर्ट होएगा तो हार्ट पर असर पड़ेगा। पोर्ट्रेट बनाते वक्त मैंने तुम्हारा फोटो खींच के कॉलेज का वेबसाइट पे डाल दिया, कॉलेज का सारा लड़का लोग उस पर लाइक्स और कमेंट्स कर रहा है, अब तो पूरा का पूरा कंट्री खाना पीना सब कुछ छोड़ कर पेंटिंग देखने के वास्ते पागल हो गया है। ये आपने क्यों किया सर? अब जो हो गया वो हो गया नानू, कलर जेरोक्स जैसा उसका एक पेंटिंग बनाओ और उसका थोपड़े पे मार दो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन। बाय बाय, मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं बहरा हो गया, कान में मधुमक्खी चली गई। चल चल, कमान कमान, क्या बात है? हेलो भाई साहब, मारी बहन आपको बुला रही है। हे, हाय अनु। हाय कहने नहीं आई हूँ, यहाँ आकर बैठो और मुझे अपनी पोर्ट्रेट पूरी करने दो। पेंटिंग में पसीना अच्छा नहीं दिखेगा ना, और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है। हाँ सुबह फ्रेश होकर तुमसे मिलता हूँ। ओके सी यू बाय। तू एसी में पेंटिंग बनाना, पसीना नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग अनु, तुम लोग बिना नहाए चले आए, एकदम चिंपैंजी लग रहे हो। अब जल्दी से किसी पार्लर में जाओ और अपना बासी चेहरा चमका के आओ, उसके बाद ही आना वरना मेरा मूड चला जाएगा।
और हाँ ब्रश करके आना, क्योंकि ब्रश करने से मुंह के कीटाणु भी नहा लेंगे और उनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ब्रश करने से क्या फर्क पड़ेगा, कौन सा लोगों को पता चलना है? मुझे तो पता चलेगा ना। अनु तुम्हारे दोस्तों को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। I'll be there. सर, अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी ना तो इसका बड़ा बैनर शौचालय पे लटका दूंगा। आखिर आप लोग मारी बैन ने समझते क्या हो? एक बार अन्नी पेंसिल चालू हो जाए तो पेंसिल रुक जाए, लेकिन बैन नहीं रुकती। लगता है तुम्हारी बैन रोबोट छे। कितनी बेताबी से तस्वीर बना रही है सर। हाँ ये कंप्लीट हो गई, आके देख लो, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे बाप, का पेंटिंग बनाई है बेन, तन्ने तो लंगूर ने हीरो बना दिया। तैयार थई जाओ सर। चारी, मैं तो अपने एग्जाम में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था। खूबसूरत कारीगरी को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। चलो देखते हैं। रेडी, 1 2 2 3। अब आइंगन मरता कौन छे? और कौन होगा, मैं ही हूँ। आपका बुढ़ापा इसने अभी ही बता दिया। तुझे क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? वो सब छोड़ो, अभी इसे शौचालय पे ही लगाना पड़ेगा। क्या हुआ, कैसी लगी? इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पेंटिंग में जो चैतन्य है वो असली है या मेरे सामने जो खड़ा है वो असली है। उस हड्डी कट्टी मोनालिसा को देखने के बाद आज दूसरी बार मेरे कलेजे और किडनी को ठंडक मिल रही है। ऐसी कमाल की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ यही बना सकती है बॉस। अद्भुत है बॉस, कहीं इसे नजर ना लग जाए। क्यों तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ, मेरे बॉस के होंठ खुशी के मारे चिपक गए हैं। बॉस अब मैं तुमसे क्या कहूँ, तस्वीर में ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हूँ? क्या पेंटिंग में कोई गलती है? आपके हाथों से गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। ए, उस नागिन को मार दो, कब से हमको डस रही है फूसू फूसू करके। चुप कर। वैसे बस एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या कहा, मेरी पेंटिंग में मिस्टेक है? कहाँ मिस्टेक है बताओ जल्दी, चलो दिखाओ मुझे। एक्चुअली इस पेंटिंग में मेरे बाल थोड़े से बड़े बना दिए हैं, उतनी गलती है। हाँ, लेकिन बाकी तो रोम रोम एक्यूरेट और करेक्ट बनी हुई बॉस। अनु, इन दोनों को देखकर लगता है दाल में कुछ काला है, पेंटिंग खराब है, खुद की शक्ल देखिए आईने में। अरे ओ मैडम, आपकी ये दोस्त ऐसी क्यों है, दिन भर आग में घी डालती है, घर पे रोटी में डालने को बोलो ना। अनु तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, एक काम करते किसी को बुला कर पूछ लेते हैं। डोंट वरी, अभी प्रूव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, जरा एक मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। अबे लड़की नहीं है जो घूर रहा है, बोलना तू ही है। ये मैं नहीं हूँ, मेरा बाप है। अबे तस्वीर में कोई गुंडा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरा बाप है। ये मेरा बाप नहीं है तो क्या तेरा बाप है? मारो बाप। अबे मेरे बाप का चेहरा इतना घटिया लगता है, टेढ़ी नाक, सूजे हुए होंठ। तेरा बाप 100 जन्म भी ले लेगा ना तो भी इसके जैसा नहीं बन सकता। ये मेरा बाप कॉन्टेस्ट में नहीं खड़ा है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख ले तो मुंह को ताला लगा। तुम्हारो इतनी बेइज्जती में सहने का। सॉरी सॉरी बहन जी, मैं बह गया, मैं अपने बाप की तस्वीर लेके जाऊं। ए भाग यहां से, पता नहीं किस कोयले की फैक्ट्री से निकला है काला जामुन। इतनी अच्छी पेंटिंग को पहचानने के लिए किस गधे को बुलाया है? निकल यहां से। अनु यू डोंट वरी, हम लोग पापा की तस्वीर। चल चल निकल। अनु ऐसे लंगूरों से अच्छा है किसी जानकार को बुलाते हैं। बहुत हुआ, तुमने यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी कलाकारी पर शक करने के लिए और मेरा मजाक बनाने के लिए उस जाहिल गवार को यहाँ बुलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैडम तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानो, मैंने कुछ सोचा है। एग्जीबिशन में जो भी इस पकौड़े वाली शक्ल को पहचानेगा उसे प्राइज में हम एक भजिया देंगे और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे। अपना मुंह बंद रखो, कुछ और कहा ना तो मार डालूंगी। मैं सब समझ गई, मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, तुम पेंटिंग में मिस्टेक निकाल कर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बस मुझे और कुछ नहीं सुना, अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकती हूँ। ओहो डैड, ये सेलेब कनेक्ट कंपनी है, हम अपनी कंपनी का स्टेशनरी और लोगो डिजाइन करने का काम इन्हें दे सकते हैं, अगर आप कहें तो मैं 5 लाख की डील साइन कर लूं। इसके लिए डैड से क्या पूछना, तुम भी तो कंपनी के ज्वाइंट एमडी हो, 5 लाख देकर डील साइन कर लो। ए बेजुल की बातें करके इसे बिगाड़ रहे हो, भले ये मेरा बेटा है लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नहीं सर, छोटी सी चीज है तो। क्या छोटी चीज, घर का खाना भी मेरी मर्जी से बनता है समझे, यहाँ तक कि दूसरों की मर्जी से बना हुआ खाना तक मैं नहीं खाता। मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में एक चिड़िया भी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती, आई बात समझ में?
हेलो, ओ हाँ ठीक है सर, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वहीं पहुंचता हूँ। हाँ ओके। क्या जाओ छो, और बेइज्जती करवानी है? अरे क्यों सर, दुनिया में क्या सिर्फ वही एक लड़की है? लालटेन लेकर ढूंढो, हजार मिलेंगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आप तो गर्म दूध में छलांग लगाने की बात कर रहे हो। हर बार आप उससे मिलते हो और किसी को बकरा बनना पड़ता है। इस बार किसे बकरा बनाए? मने सु खबर। गांडो तो ही गया। एक एक दिन करके जो इज्जत कमाई थी वो भरे बाजार में लुट गई। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। लोग प्यार में अंधे होते हैं और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया। लगता है खेत के बीच मुझे चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जरा से भी हवा चली तो हो जाएगी मारी इज्जत खली बल्ली। मेरा होनहार स्टूडेंट, फाइनली हम लोगों को आदि मानव का रियलिस्टिक मॉडल मिल गया। ये तो नेचर से भी नेचुरल है। हाँ एकदम सर, इसे और नेचुरल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देना। इतना नंगा करके भी शांति नहीं मिली? जान डालने को कहा है, आन बान शान मिटाने को नहीं। अगर पत्ते निकालने हैं ना तो जंगल में जा और किसी आदि मानव को ढूंढ ले और उससे शादी करके उसके पत्ते निकालती बैठ। चिकन की हड्डी। सर चांद का मुखड़ा इधर घुमाएंगे क्या? एटलो। अबे यार एक बात बता, मेरी तो खैर मजबूरी थी, तू तो मूर्ति बना रहा है, तू क्यों नंगा होकर आया है? सर मैं आदिवासी बनकर आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। तुम जैसे की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक पुरुष होकर भी दूसरे पुरुष का दर्द नहीं समझ सकता। अब मैडम आएंगी और मुझ पे जोर से चिल्लाएंगी, मुझे इसकी फुल गारंटी है। क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, वो तो उस कबूतरी को। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ जैसे लड़के मतलब क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने आते हो। और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो और ये सब बंद कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कॉलेज में देखा ना तो तुम गए काम से। हेलो मैडम, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से? हाँ मैं तुम्हें ही घूर रहा था, लेकिन तुम्हें चाहता हूँ इसलिए नहीं। तो फिर किसे चाहते हो? उस कुमारी को चाहते हो? क्या आइडिया दिया है यार, कुमारी वाला एंगल पकड़ूंगा तो इसका गुरूर जल के राख हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हाँ? मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारी कुमारी से। तुम जैसी लड़की से तो निकम्मे लड़के ही शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा ना तो कुमारी जैसी लड़की से जो बात बात पे फ्रूट्स खिला दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे अपनी तस्वीर बनवाई और तुम्हारे आगे पीछे इतने गाने गाए, क्योंकि मैं कुमारी को चाहता हूँ। बस करो, कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसका नाम इतनी बार नहीं लेती। पर मैं तो जरूर कहूंगा उसे, हर समय प्यार से कुमारी मेरी जान कहूंगा। वो 30 साल के और तुम 23 के। तो क्या हुआ, प्यार कभी उम्र थोड़ी देखता है, आजकल सब चलता है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस छोटे लड़कों से शादी कर लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? उसे देखो और फिर खुद को देखो। उसे देखने के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर की है, ऊंच नीच मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुमारी से प्यार करता हूँ। अचानक कुमारी कहाँ से टपक गई? अचानक कहाँ, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। पर तुम्हें तो हमारे बारे में पता चल गया ना, हमारे बीच कुछ बात चलाकर हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना। एक्चुअली लोग कहते हैं कि अच्छे काम से पहले मीठा खाना चाहिए, इससे हमें अच्छे ख्याल आते हैं और काम भी अच्छा होता है। तो प्लीज भूलना मत, तुम ही मदद कर सकती हो। बाय, थैंक्स। छुक छुक करे मारी रेलगाड़ी साजन डोला लागो। ओ मारी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, कुमारी मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ नानू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूँ। उसके पास जाकर ही पूछ लो ना। मैडम आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हैं, जो कि पीएचडी कर रही हो ना। और कैसे बोलूं, कुमारी को पटाने के लिए भी कोई प्लान चाहिए क्या? अरे ऐसे बात क्यों कर रही हो, तुम जैसी लड़की के लिए किसी के प्यार का जवाब देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं पूछ लूंगा तो आसानी से हाँ कह देगी। बॉस तुम्हारो प्यार केटलो प्योर छे। मेरा प्यार कोई घी नहीं है जिसे प्योर होना चाहिए चारी, प्यार शब्दों में बयां नहीं होता। डायलॉग तो बहुत ही अच्छा मारा है, शब्दों में प्यार बयां नहीं होता। वाह चलो कुछ करते हैं, कुछ तूफानी। कहाँ जा रहे हो?
वो सब्जियां लेने मार्केट गई है। सच्चा प्यार करने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर बोझ उठाते हैं। मैं भी अपने सच्चे प्यार का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। चारे बैंगन हो या खरबूजा, आज उठा लेंगे बोझा। चलिए सर, टेम्पररी प्यार बुलावे छे। चारे मतलब परमानेंट प्यार। चलिए चारी। हाँ बॉस। मैडम पीछे से आ रही है ना? यस बॉस। मारी वाट लगी, मन ने बहुत डर लगे है साहब। आप मारी बहन को बिल्कुल भी नहीं जानते, अनो गुस्सो बहुत डेंजर है। एटलो ड्रामा करके मन ने इस गाड़ी में बिठा के तन्ने बेना ने कैसे फटाओगे, मन ने कुछ समझ में नहीं आवे है। तुम्हारी अनु मैडम में बहुत ज्यादा ईगो है। मतलब इसे कहते हैं पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम सेल्फ इम्पोर्टेंस। का वो क्या कहते हैं उसे, घमंड बोले तो चर्बी। हाँ वो तो घड़ो है। और उसका ईगो तब शांत होगा जब उससे ज्यादा अहमियत किसी और को मिलेगी। तो आ बात है, अब बात मारी समझ में आई। कल रात जब मैं बेन से मिलने गई तो वो ऐसे गुमसुम थी जैसे किसी के ख्याल में डूबी हूँ। अच्छा। अरे आ भाई साहब, जब रात को पानी पीवा उठे तो 2 बजे तक वो जाग रही थी। चमत्कार हो गए हो। चारी बॉस, लगता है हमने जो तीर चलाया था वो ठीक निशाने पर जाकर लगा। मैकेनिक का नंबर है, जाकर अपनी गाड़ी रिपेयर करवा लो, मैं पे कर दूंगी। 2 टके का आदमी, अपनी खटारा लेके दफा हो जाओ। इधर आ। मुझे उंगली दिखाता है, उंगली काट के रख दूंगी। इतनी आसानी से कहां जा रही है हा? तू गाड़ी बीच में लाया था, एक तो पीकर गाड़ी चला रहा है, शुक्र कर कंप्लेंट नहीं की। चल तुझे बताता हूँ, बहुत घमंड है ना तेरे को। चल चल। कौन है रे तू? और कौन होगा, उसका लवर लगता है? क्या सही गैस मारा है यार, मुझे प्यार करना भी आता है और प्यार में हड्डियां तोड़ना भी आता है। तो चलो इसी बात पे बजाओ रे। चुका है हीरो के सामने इस वक्त है एक नहीं दो नहीं पूरे 4 जिन्हें रहना होगा होशियार। हीरोइन मुस्कुराई, इन सब की शामत आई। ये लगा चौका, नहीं मिला मौका। हो रही है जबरदस्त धुलाई, गुंडों को उनकी नानी याद आई। हीरो जानदार है, उसकी फाइट शानदार है, पब्लिक देख रही है सारा नजारा, कैसे हीरो ने विलेंस को मारा। क्योंकि इन्होंने किया है हीरोइन पर अत्याचार। और ये रहा फिनिशिंग टच, बस बस अब ये तो हो गया। सॉरी मैडम, गलती करके माफी मांगता है। ओके, अब तो ईगो शांत हो गई ना। सॉरी अनु, उनके सामने मैंने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वैसे तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो भी मैं यही कहता। बस फाइट से पहले मैंने एक डायलॉग मार दिया, सीरियसली मत लेना।
सी यू। बाय। नौ बज चुके हैं, चला उठ जा। हे, सुबह सुबह तंग करने आ गई। कुमारी कहाँ है? अरे वो सुबह उठकर टिप टॉप बनकर चैतन्य से मिलने चली गई। उसने कहा कि जब तुम उठ जाओगी तो उसे कॉल कर देना। फिर क्या, मैंने थोड़ी सी फाइटिंग की और उसे उन गुंडों से बचा लिया। चैतन्य, दिस इज टू मच। हाय। टू मच क्या है? बहन के साथ खाना खाना गलत है क्या? चैतन्य, मैं बाद में मिलती हूँ, बाय। कुमारी कहाँ है? मेरे दिल में। वो फिजिकली इस वक्त कहाँ है ये बताओ। चाहे फिजिकल हो या मेंटल हो, अब वो हर तरह से मेरे दिल में है। चैतन्य, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम उससे प्यार मत करो। क्यों, क्या हुआ? शायद उसे भी मैं पसंद हूँ। तो क्या हुआ? हाँ, तो अगर उसे मैं पसंद हूँ तो शायद जल्दी मेरे प्यार का जवाब भी दे देगी। अगर तुम्हें प्यार करना ही है तो मुझसे कर लो। क्या कहा? तुम मुझसे प्यार कर सकती हो? वो सब मैं नहीं जानती, पर तुम जैसा प्यार कुमारी से करते हो मुझे भी वैसा ही चाहिए। और जो कुछ तुम कुमारी के लिए कर रहे हो वो मेरे लिए करो। चलो अब जल्दी से मुझे आई लव यू कह दो। लव यू टू कह के मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। चाय समोसे का ऑर्डर दे रही हो क्या? जब प्यार होता है तो उसका इजहार किया जाता है, और जब तक प्यार अपने दिल से नहीं निकलता ना, उसका कोई फायदा नहीं होता। आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि कोई तुमसे प्यार करता है। प्यार ऐसे नहीं किया जाता। वैसे भी ये सब बातें तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम तो प्यार के लिए बनी ही नहीं हो। अगर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा और तुम मेरे प्यार को मान भी जाओगी ना, फिर भी पूरी जिंदगी मैं अकेला ही तुमसे प्यार करता रहूंगा और तुम प्यार करोगी अपने गुरूर से। मतलब मैं ही तुम्हारे लिए बैटिंग करूं, मैं ही बॉलिंग करूं, मैं ही फील्डिंग करूं, मैं ही जाकर कैच भी पकड़ूं, और इतना सब होने के बावजूद हम दोनों के क्रिकेट मैच में आखिर में आउट भी मैं ही हो जाऊं। अनु, प्यार में ना दोनों के बीच सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। हम शादी कर लेंगे, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या तुम उसे जिंदगी भर निभा पाओगी? वो जिम्मेदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। चारी तो मुझसे कल ही कह रहा था, सर अच्छा हुआ आपको कुमारी से सच्चा प्यार हो गया, ना कि उस अनु मैडम से। अगर आप उसको मैसेज भी करते कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, वो किस करने के बदले आपसे और दूर चली जाती। मैं तो बच गया। लगी? देखो बारिश आने वाली है, घर में चलो बहन। सारी मुसीबत की जड़ तू ही है। मेरा दिल और दिमाग दोनों खराब कर दिया। तेरी वजह से मैं इतनी जी भरकर कर बैठी। किसी के उकसाने पे मैं सब कुछ भूलकर उससे कैसे प्यार करने लगी? मैंने उसका प्यार पाने की कोशिश की जो मुझे नहीं किसी और को चाहता है। मैंने प्यार छीनने की कोशिश की है। मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। तुम एक इंसान हो,
एक औरत हो, बस गुरूर में अंधी हो गई हो। अगर अब भी नहीं समझी तो तुम बेवकूफ हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे उंगली दिखाने से पहले अपने आप को पहचानो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम्हें लगता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो? आसमान से आई कोई परी हो क्या? तुम कुछ नहीं हो, बस एक ऑर्डिनरी लड़की हो और कुछ नहीं। ईगो, तुमसे ज्यादा ईगो मुझ में है, पर उसे कब और कहां दिखाना है इसकी अच्छी समझ भी है मेरे अंदर, जो तुम में नहीं है। ये गुस्सा भी तुम्हारे उस गुरूर का नतीजा है। मैं कब से उस गुस्से को प्यार में बदलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम नहीं बदलने वाली। प्यार के नाम पर तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लड़के आएंगे जो तुम्हें वैसे ही किस करने के लिए उकसाएंगे। तो क्या उन सभी को किस करती फिरोगी तुम? हाँ बोलो। तुम उनके दांत तोड़कर उन्हें छत से नीचे फेंक दोगी तो फिर सोचो तुमने मुझे किस क्यों किया। क्योंकि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, और तुम अपने गुरूर की वजह से कुमारी पर मेरा गुस्सा उतार रही हो। तुम ये बात दिल से जानती हो कि मैं अच्छा लड़का हूं और तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारा ईगो तुम्हें ये मानने ही नहीं दे रहा है। बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे लिए सही नहीं हो। मैं तुमसे प्यार करता था इसलिए तुम्हारे पीछे पड़ा। क्या कुछ नहीं किया ताकि तुम्हें देख सकूं, तुमसे बात कर सकूं, तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त बिता सकूं। लेकिन अगर तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा। बायन, नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है तो मैं नंबर रख के क्या करूं? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम मुझसे दूर रहकर मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जानते हो मुझे कैसा महसूस होता है? लाइफ में पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मेरी जिंदगी किसी के बिना अधूरी है और उसके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं। एक लड़की के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इज्जत होती है। मैंने तुम्हें किस किया था, भूल गए? पहली बार जब तुमने मुझे देखा था मैं तुम्हें पसंद आ गई थी, और उसी दिन तुम भी मुझे पसंद आ गए थे। जब तुम हर जगह मेरे पीछे आते थे तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता था, दिल को सुकून मिलता था। जब तुम हमारे कॉलेज के आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में आए थे तब मुझे लगा कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुमने कुमारी का नाम लिया और मेरा ईगो हर्ट हो गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा तुम मुझसे दूर हो जाओगे और इसीलिए मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। चलो मुझे आई लव यू कह दो। Love you, जो कह के मैं भी एक्सेप्ट कर लूंगी। मैंने बहुत इंतजार किया कि कब तुम आओगे और मुझसे प्यार का इजहार करोगे। मैंने तो खुद आकर तुमसे अपना प्यार मांग भी लिया, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया चैतन्य कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। माना मैं दूसरी लड़कियों जैसी नहीं हूँ, पर मैंने कोशिश तो की, मुझे भी बुरा लगा। मेरे गुरूर को मेरी नादानी समझ कर मुझे माफ कर दो, पर मेरे प्यार को भी तो समझो। मैं अपने ईगो को इससे ज्यादा और नहीं गिरा पाऊंगी। प्लीज चैतन्य, प्लीज। तुम्हारे प्यार के मुकाबले मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि तुम्हें मना कर सकूं।
मेरा बेटा छोटे से छोटे फैसले लेने से पहले मेरे पास आकर मेरी मंजूरी लेता है। पर इस घर की बहू चुनने से पहले एक बार उसने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? सॉरी पापा। सॉरी कहकर तुम अपने ईगो को शांत कर सकते हो, लेकिन मेरी इजाजत के बिना तुम इसे अपनी बीवी नहीं बना सकते, माइंड इट। अनु सुनो, चलो मेरे साथ। कहाँ चलना है? क्या चालू से मतलब? सर को मनाने के लिए और कहाँ? नो वे। अरे सो यू वॉन्ट टू मैरी चैतन्य? जी हाँ। ओह दैट्स नाइस। मेरे पैर देख रही हो? तुम्हें मेरे पैर पकड़कर उसे मुझसे मांगना होगा। अंकल प्लीज एक्सेप्ट आवर लव, उसके बाद मैं सोचूंगा। कम ऑन। सॉरी नहीं कर सकती। बेटा बड़ों का आशीर्वाद लेने में कोई बुरी बात नहीं है, तुम इनका आशीर्वाद ले सकती हो। प्लीज डोंट फोर्स मी आंटी, मुझे किसी के पैर छूना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ऐसी ही हूँ और मैं किसी को खुश करने के लिए खुद को बदल नहीं सकती हूँ, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। आगे आपकी मर्जी, फिर से सोच लीजिए, अगर मैं पसंद हूँ तो ठीक है, वरना आपकी मर्जी। प्लीज चैतन्य। मुझे लड़की पसंद है। Oh, I'm serious, I'm not joking. तुम्हारे अंदर मेरे घर की अच्छी बहू बनने की सारी क्वालिफिकेशंस कूट कूट कर भरी है। इस वक्त मुझे तुम्हारे भीतर अपना ही रूप दिखाई दे रहा है। मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे लिए तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है और इसकी वजह से तुम किसी के आगे झुकना नहीं चाहती, ये भी अच्छा लगा। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, तुम अपने ईगो से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हैट्स ऑफ, सीरियसली। चैतन्य मैं तो इतना ही कहूंगा कि तुमने एक असली हीरा चुना है। साचू बोले जी सर, हीरे को पटाने में मेहनत भी बहुत लगी है। Too much efforts, I tell you. Indeed. Oh, so sorry. Hello. Congratulations. Of course, sir. Oh, that will be my honor. मैं पसंद है ना? Just forget about it, sir. Leave it to me. I shall take care of it. Thank you, sir. Thank you. चैतन्य, उन्होंने मुझे फिक्की का प्रेसिडेंट चुन लिया है, कमाल हो गया। कांग्रेचुलेशंस। पता है ये 5 इयर्स से उस पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे थे। कांग्रेचुलेशंस अंकल। अनु ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है? भाई इनके घर आते ही मुझे गुड न्यूज सुनने को मिल गया। बहुत बहुत बधाई हो सर, आपको टक्कर वाला मिल ही गया। काय काय करना बंद कर। सेलिब्रेशन तो बनता है, सबको पता चलना चाहिए कि आप फिक्की के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तुम्हें ये अरेंजमेंट कैसा लगा? अच्छा है ना? बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ थोड़ी गड़बड़। अब सही है। Shut up. I have work. याद है उस दिन हमारा उससे कितना झगड़ा हुआ? फिर भी उसने आज सब कुछ भुलाकर हमें यहाँ बुला लिया है। पागल है क्या? वो सिर्फ हमें अपना रुतबा दिखाना चाहता है। वो देख। हाँ भाई साहब। हाँ? वेलकम। कॉन्ग्रेट्स। थैंक यू जी। ले जाओ सर। शंकर राव जी, थैंक यू फॉर कमिंग। आप जानते हैं, बिना किसी के आगे गिड़गिड़ाए या भीख मांगे मुझे ये पोजीशन मिल गई। बस आपको बताना चाहता था। थॉट यू शुड नो। सर बेइज्जती तो आप कर चुके हैं आज फिर। नहीं ऐसा कुछ नहीं है दरअसल। मिस्टर राव, अरे राजेश्वर जी, अरेंजमेंट तो बड़ा शानदार किया है। थैंक यू सो मच सर, पर इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाता। तो फिर? इट्स प्योरली बिकॉज ऑफ माई डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ? यस, डॉटर इन लॉ। बिल्कुल सही सुना आपने शंकर राव जी। शी मस्ट बी, देयर शी इज। गुलाब और गेंदे का कॉम्बिनेशन अच्छा है ना? मैं गलत नहीं हूँ तो ये वारंगल वाली लड़की है ना? इसे कौन नहीं पहचानता, ये वही है। लगता है ये लोग इसके बारे में नहीं जानते। तुम मेरा चैतन्य। इस रिश्ते को उसके घर वालों ने खुशी खुशी मान लिया? मैंने मान लिया, यही बहुत है। मैंने मंजूरी दे दी, बात बन गई। मेरी इच्छा से ही तो ये मेरी बहू बन पाएगी। शायद आपको गलत फहमी हुई है, हमारा तो सिर्फ झगड़ा हुआ था इसलिए रिश्ता तोड़ दिया। पर यहाँ बात अलग है भाई साहब। मेरी बात मानिए, उसके घर वालों से बात करके उनकी मंजूरी ले लीजिए, क्योंकि आप जैसे लोगों को उसके परिवार वाले हमेशा जूते की नोक पे रखते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, हमसे मिलवाने से पहले उनकी मंजूरी ले लीजिए, उसके बाद ही हम सबसे मिलवाइए, नहीं तो बाद में शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। एक बार मैंने फैसला कर दिया तो मुझे किसी और के फैसले की जरूरत नहीं है शंकर राव। मैंने कहा ना कि मैंने अपनी मंजूरी दे दी, मतलब ये शादी जरूर होगी, एंड दैट्स प्रीटी फाइनल। प्रीटी मच फाइनल, हो या ना हो ये बाद में देखा जाएगा। देखने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मैं इसी वक्त उनकी सगाई करवा दूंगा, फिर देखते हैं कौन रोकता है। एंगेजमेंट के लिए उसके फिंगर में रिंग डालनी होगी, जिसके लिए वो कभी हाँ नहीं कहेगी। लगता है आप उसे जानते नहीं, कोशिश कर लीजिए। Yeah, every-
everybody, attention please on the stage. Thank you so much. आप सभी का मेरे इस खुशी के मौके पर आने के लिए शुक्रिया. मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं. एक्चुअली ये छोटी सी बात नहीं, काफी बड़ी है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. चैतन्य, माय बॉय, कम ऑन अप, कम ऑन. अरे जाऊं ना सर. चैतन्य को तो आप सभी जानते हैं, वो मेरी कंपनी का एक होनहार और मेहनती एमडी है. नाउ यू नो व्हाट दिस लिटिल बॉय हैज डन. इसे प्यार हो गया है और इसने अपनी लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर ली है. यस, देयर शी इज, वो है मिस अनु, BFA. अरे देख क्या रही हो, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ बेटा. जाओ बेटा, तुम्हें बुला रहे हैं. जाओ बेटा, जाओ जाओ. कम 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 कम. तो आप सबके आशीर्वाद से ये दोनों अपनी जिंदगी साथ निभाना चाहते हैं. और मेरे वेल विशर मिस्टर प्रभाकर के आशीर्वाद से आज आप सबके सामने इन दोनों की एंगेजमेंट होगी. ये क्या कह रहे हैं? थैंक यू, जस्ट नीड योर ब्लेसिंग्स. पापा ये सडनली क्या कर रहे हैं? आपको अभी डेट तो अनाउंस करने दो. दैट्स नॉट ऑल, मैं आपके सामने मैरिज डेट भी अनाउंस कर रहा हूँ. इट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट मंथ 25th. और अनु के घरवालों को बताए बिना सगाई कैसे कर सकते हैं? सगाई के बाद बता देंगे ना, शांत हो जाओ अभी. माला लेकर आओ, कम ऑन. ये क्या कर रहे हैं? कम से कम अच्छा मुहूर्त तो देख लेते. मुहूर्त देखकर ही तो मैंने ये फंक्शन रखा हुआ है. पंडित ने भी कहा था कि अच्छे कामों के लिए परफेक्ट डे है. अब लाओ अपनी अंगूठी दो, तुम्हारे बेटे की सगाई हो रही. हेलो, कैसे हैं? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए. अरे बेटा अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब कुछ बदल बदल नहीं सकता. और शंकर राव की तरफ जरा गौर से देखो, अंदर ही अंदर मुझ पर हंस रहा है कमीना. कह रहा था कि मैं ये सगाई नहीं कर पाऊंगा. शंकर राव जी. पापा उस आदमी की वजह से आप मेरी शादी मेरी बड़ी बहन से पहले कैसे कर सकते हैं? डोंट वरी चैतन्य, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कब क्या कैसे करना है. प्रभाकर जी आइए आइए, प्लीज तशरीफ लाइए. चैतन्य ये आखिर हो क्या रहा है? अनु तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अनु वो हमारी बात नहीं मानेंगे, वो ऐसे ही है. फिलहाल हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे. अनु सगाई कर लेते हैं, मैं बाद में सब संभाल लूंगा. ओके, आई कांट एक्सेप्ट ऑल दिस. अनु प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, मैं संभाल लूंगा. ओके, ट्रस्ट मी, आई विल हैंडल ऑल दिस. डोंट वरी, आई एम विद यू. क्या खुसर पुसर चल रही है? सब लोग वेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है. कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो. ये तुम लोग चैतन्य, ये तुम लोग, बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सर. अनु को भेज वरना. तो धमकी देने वाला होता कौन है और तुझे अंदर किसने आने दिया? अपनी आवाज नीचे कर और मुझसे बिना पूछे इसकी सगाई कैसे करवा दी? जानते नहीं हो मुझे, अब तुम सब मरोगे. रुक जा, क्या बकवास कर रहा है तू? अनु कौन है ये? मेरे मामा. इससे प्यार किया पर इसके खानदान का पता नहीं किया? नहीं किया तो? अब तू और तेरा पूरा खानदान कुत्ते की मौत मरेंगे. इसने बिना पता लगाए प्यार किया और मैंने इनकी शादी तय कर दी. क्या कर लेगा तू? काट कर जमीन में गाड़ दूंगा. ये शैलजा रेड्डी की बेटी है, उनकी इजाजत के बिना तो इन दोनों की शादी करवाने चला था. अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम सब मरोगे. तुम्हारी वो हालत होगी कि मौत के फरिश्ते भी थर्रा जाएंगे. मेरी दहलीज पर कदम रख के तो मुझे धमकी देता, तेरी जबान खींच लूंगा. तुझे कोई अंदाजा नहीं, सबके सब मरेंगे. हाउ डेयर यू. प्लीज रुक जाइए, इनके सामने कुछ मत कीजिए. चैतन्य अनु चलिए मामा जी. अनु अनु जरा एक मिनट रुक जाइए.
तुम्हारे पापा ने गलती कर दी चैतन्य। मेरी शादी मेरी मर्जी से नहीं हो सकती। अगर मेरी मम्मी को पता लगा तो आज के बाद हम कभी नहीं मिल पाएंगे। मुझे जाना होगा। अनु, अनु, मेरे फंक्शन में आकर मेरी बेइज्जती की, मैं इस कमीने को। वाश भाई। जी सर। फोन लगा, कमिश्नर को फोन लगा और मुझसे बात करवा। हेलो, अभी उसे अरेस्ट। हेलो, कमिश्नर आपके दोस्त होंगे पर सीएम उनकी जेब में है। आखिर ये शैलजा रेड्डी है कौन? बेटा, उससे प्यार करने से पहले तुम्हें पता लगा लेना चाहिए था कि उसकी माँ कौन है, वरना वो ऐसे नहीं चली जाती। तो फिर बताओ ना कौन है वो, उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना। तो सुनो, अगर कोई भी उस औरत से टकराता है तो वो उसे पूरी तरह तबाह करने की ताकत रखती है। उनका नाम है शैलजा रेड्डी। तो बात यह है कि कोई उसके गुरूर को तोड़ेगा तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। आपका ईगो तो आपने मनाया है, पर उसका ईगो जेनेटिकल डिसऑर्डर है, खानदानी है, बीमारी है। यस, यहां तक कि उनके पूरे गांव में उनकी इजाजत के बिना कोई शादी भी नहीं कर सकता। जरा सोचिए, आपने तो उनकी बेटी की ही शादी उनकी इजाजत के बिना तय कर दी है, अब तो भगवान ही मालिक है। हाँ, एक और बात, इस फंक्शन में आपने मुझे इसलिए बुलाया था ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो सके, पर ईगो सेटिस्फाई हुआ मेरा। थैंक यू। 25 तारीख याद रखिएगा। वाजपेयी फोन लो। जी सर। क्विक, अभी दिखाता हूं। पापा बस कीजिए, बहुत हुआ। क्या? बहुत किया आपने, अब इस बात को और मत बिगाड़िए। शांति अपने बॉयफ्रेंड से शादी नहीं कर पाई क्योंकि आपने उसके परिवार वालों का अपमान किया, लेकिन अब मुझसे मेरी अन्नू को मत छीनिए, प्लीज। फोन नहीं उठा रही है। बेन, चैतन्य साहब सवेरे से 10 बार कॉल कर चुके हैं, बात करो ने। बस बस बात करो। हेलो, क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? तुम्हें लगा मैं तुम्हें इतनी जल्दी भूल जाऊंगा, तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? गलती से ही सही, लेकिन अब हमारी सगाई हो चुकी है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो गया है। बकवास बंद करो। अनु, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कुछ ही देर में तुम्हारे गांव वारंगल पहुंचने वाले हैं। मैं तुम्हारी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ को किसी भी तरह कन्विंस कर लूंगा। तुम यहाँ आ रहे हो, मेरी मम्मी को जानते हो ना? अनु, मैं तुम्हारी मम्मी को सब अच्छी तरह से समझा दूंगा, मैं उनसे माफी मांगूंगा, चाहो तो रिक्वेस्ट कर लूंगा, किसी भी तरह उनके गुस्से को ठंडा कर दूंगा। मुझे नहीं लगता मेरे दिल की बात सुनने के बाद वो मुझे मना कर पाएंगी। अगर कुल्हाड़ी पर ही सर मारना चाहते हो तो आ जाओ। ओके। ए, लगे चे जंग लड़ने जा रहे हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ है? देख लेना, उन्हें मैं इतना पसंद आऊंगा कि खुशी खुशी शादी करवा देंगी। अपनी आवाज जरा नीचे रखो, उन्हें पता चल गया ना तो तुम्हें जान से मार देंगे। ऐसा क्या मतलब? तुमने सगाई का भांडा फोड़ दिया? बताया होता तो तुम लोग जिंदा नहीं होते, वो कभी माफ नहीं करती। तो इसका मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि कल रात क्या हुआ था? रुक जा अनु, रुक जा अनु। अनु, अनु मेरी बात तो सुन। मम्मी को आज के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, अगर आपने उन्हें बताया तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, आपको मेरी कसम है। मामा जी, वादा कीजिए मुझसे। ऐसा फिर मत करना अनु, तुम जो कहोगी वही होगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अगर वो सच नहीं जानती तो उन्हें हम बता देंगे, उसके बाद वो करेंगे भी क्या? फिर मेरे जैसी हालत हो जाएगी। 5 स्टार में शेफ था मैं, अब कर्ची लेकर खाना बनाता हूँ। नाइस टू मीट यू सर। तन्ने शैलजा अम्मा को पहचानते नहीं हो? पूछे क्या? अगर अट्ठे होती तो मरी गयो। क्या हुआ अम्मा? तो इसमें डरना क्या है, कह दो हम तुम्हारे दोस्त हैं। चुप करो, इससे पहले कि मम्मी तुम्हें यहाँ देख ले जाओ यहाँ। अरे क्यों जाए, दिल वाले आए हैं, दुल्हनिया लेके ही जाएंगे। मानिकराज जी कहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढा है। बेटी, लड़का मी के लिए नहीं यू के लिए ढूंढा है।
जानती हूँ, अब इन सब की आदत हो गई है। लड़का क्या करता है? मैं बताता हूँ बेटा, लड़का बहुत रिच है और इसी घर में हाइड है। मानिक राज। जोक था मैडम, उनको लफा रहा था पर वो लाफती नहीं है। क्या बंडल जोक मारता है? लड़का एक डॉक्टर है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने उसे लड़की देखने के लिए बुला लिया है। पर इसकी जोड़ी उसके साथ जमनी चाहिए ना, जैसे मेरी तुम्हारी। वो सब शादी के बाद भी हो सकता है। तुम बीच में मत पड़ो बहनू, चुप रहो। मैं कहाँ बीच में पड़ रहा हूँ? पापा सही कह रहे हैं, उससे शादी मुझे करनी है, इसलिए मुझे पसंद आना चाहिए। अंडरस्टैंड मैडम, वो ऐसा होना चाहिए जो हमेशा आपकी सेवा करता रहे, ऐसा रिलेशन जैसा इस घर में। आपके पापा जैसा बिना सैलरी लेने वाला पति आजकल बहुत कम मिलता है ना, पर हम सच करेंगे। मानिक राज। बिग मैडम, मैं तो स्मॉल मैडम के मूनलाइट चेहरे पर केवड़े का फूल खिला रहा था, उसको लफाने की कोशिश कर रहा था पर वो लाफती थी। तुम्हारे लिए लड़का ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, वो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। मानिक राज, मैं लड़का खुद पसंद कर लूंगी। कोई जरूरत नहीं, लड़का मैंने चुन लिया है। मानिक राज, एक काम करते हैं, पहले मैं उससे मिल लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड कर लूंगी। सर आ तो तुम्हें ही चुन से ना। मारो लड्डू। ए, अब संजय पूरे महीने का राशन दो ही खत्म करता है, हराम का लड्डू पचेगा नहीं। एक और डालता हूँ। लड्डू पे लड्डू निकाल रहे, हलवाई की दुकान खोलने वाला है क्या? अब अगर एक भी लड्डू निकला ना तो वही लड्डू मैं तुम। अब गलत समझ रहे हैं। एक और फेंको क्या? मानिक राज, तुम्हारी अलमारी में डायमंड नेकलेस रखा है, देखकर बताओ कैसा लगा, क्योंकि मुझे पैसे देने हैं। पर कुर्ते पे अच्छा नहीं लगेगा। गधे, जब अकल बट रही थी तू क्या छुट्टी पे था? शैलजा जी, अगर आप खुद यह हार उसे पहना दे तो उसे अच्छा लगेगा। जिस दिन वो मेरी बात मानने लगेगी उस दिन मैं उसे हार पहनाऊंगी। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो। तुम और तुम्हारी माँ ठीक से बात क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आता बीच में मानिक राज की क्या जरूरत है। हम पिछले 5 सालों से बिल्कुल इसी तरह बात कर रहे हैं। इस गांव में सभी मेरी माँ की इज्जत करते हैं, वो जो भी कहती हैं यहाँ के लोगों के लिए हुक्म बन जाता है। उन्होंने जिंदगी में कभी हारना नहीं सीखा। एक लौती बेटी होने की वजह से मैं भी अपनी माँ की ही तरह थी। हम दोनों को देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों तो बहनें जैसी लगती हैं। एक दिन एक छोटे से झगड़े की वजह से हम दोनों के रिश्ते के बीच अचानक एक दरार आ गई। मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? मैं नहीं मानने वाली। अनु बेटा, देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ। कब तक इससे बात नहीं करोगी? जब ये डॉक्टर बनेगी। ओ, तो आ बाचे। गुड जॉब अनु, एक्सीलेंट। बॉस, रास्ते का कांटा साफ हो गया। और नहीं तो क्या, तुम तो उनसे पिछले 5 सालों से कोई बात नहीं कर रही हो, तो तुम दोनों की शादी से उन्हें कोई फर्क पड़ेगा तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगी। बेवजह का टेंशन लेने से अच्छा है बीजा ने टेंशन में डाल दो। 30 साल बाद भी मुड़ के देखोगी तो यही म्यूट टेलीविजन दिखेगा, इसलिए चिंता छोड़ो और सुख से जियो। एक दिन खुद ही मस्का मारने आ जाएंगी, तब तुम भाव खा लेना। बुढ़िया ही तो है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें बुढ़िया कहने की? वो चाहे जैसी भी है मेरी माँ है, और मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बुराई नहीं सह सकती। चैतन्य, मुझे मेरी माँ वापस चाहिए। अब उनकी खामोशी मुझसे और नहीं सही जाती, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। मैं समझता हूं अनु, इसकी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानो। आज मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को जरूर मिलाऊंगा, और जब तक वो तुमसे बात नहीं करेंगी मैं उन्हें हमारे बारे में भी नहीं बताऊंगा। जब तक ऐसा नहीं होता शादी नहीं करेंगे। ओके? नमस्ते। नमस्ते। मैडम, आपके बारे में न्यूज़पेपर में कुछ प्रिंट है। मानिक राज, आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, फार्म हाउस तैयार कर लो, वो कुछ दिनों तक यही रहेंगे। मानिक राज, उन्हें बुलाने से पहले मेरी परमिशन क्यों नहीं ली गई? हाँ वही तो, क्यों नहीं ली गई?
अपने ही घर में अपने दोस्तों को बुलाने की परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं मैडम, ये तो आपका ही कासल है और आप यहाँ की प्रिंसेस हैं। मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं, मेरी तरह आर्टिस्ट नहीं। पर आपको तो डॉक्टर्स पसंद है ना? डॉक्टर लाइक है पर उसके पास जाना अनलाइक है। अब इसने बुला ही लिया है तो आ जाने दीजिए, कुछ ही दिनों में आपसे डर के चले जाएंगे, देख लीजिए। डॉक्टर साहब, उनकी इस मीटिंग के बाद तुम्हारी इस मीटिंग का नंबर है। आजकल के गांव काफी एडवांस हो गए हैं। पहले के लोग खेत में लोटा लेकर जाया करते थे, आजकल तो बिजनेस मीटिंग खेत में होने लग गई है। अरे लोटे से याद आया, बचपन में मैं भी लोटा लेके जाने का इसी जैसा फीलिंग आता था। अभी सबका पर्सनल शौचालय है। हमारे सामने ये सब बात कर रहे हो, भूल गए हम डॉक्टर्स हैं। और मारा पासे बाबा झोलरदास ने पेन पंच है। नहीं, ये वही बाबा तो नहीं जो हिलते हिलते हिमालय गए। एग्जैक्टली। इस चमत्कारी पेन से मेरी बीमारी गायब करो ना। लो, एक काम करना, खाली टाइम में मिलना, बीमारी के साथ तुम भी गायब। तुम्हारे मुँह में कीड़े पड़े। क्यों रे, तूने मुझसे बिना पूछे ही अपनी शादी कर ली? यहाँ तक कि ये सब अपनी माँ से भी छुपाया। पहले तो तू अपनी माँ की बेइज्जती किया करता था, अब तू शराब पीकर बंद कमरे में अपनी बीवी को मारता भी है। तुझे क्या लगा वो औरत है तो तू उस पर अपनी मनमानी करेगा, वो भी मेरे गांव में रहकर? एटलो नल्लो केस के लिए एटलो मोटो तामझाम। मैडम साहब, परिवार हमारा, लोग भी हमारे हैं, वो हमारी माँ है, जैसा बात करना चाहे वैसा करेंगे, चाहे जोरू को मारे या माँ से बेइज्जती करें, पर आपने हमारे घर की बात को यहाँ पर तमाशा बना कर रख दिया है। और जो बखेड़ा खड़ा करने में मदद की है उनका तो जुलूस हम निकालेंगे। और आप समझ लें, ये नौटंकी करके अगर आपको लग रहा है कि हम डर जाएंगे तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ना अम्मा, आपके सामने धमकी दे रहा है, आपके जाते ही पता नहीं क्या करेगा, आप इसे समझाइए ना। औरत पे अत्याचार। मेरी इजाजत के बगैर तूने शादी कर ली, अब मुझे धमकी भी दे रहा है। अब मैं तुझे इस गुनाह की वो सजा दूंगी कि तू कुछ करने के लायक नहीं बचेगा। नरसिम्हा, इसके कंधे पे ढेर सारी लकड़ी बांधो और पूरे गांव के खेत में से हल चलवाओ, और तब तक चलवाओ जब तक इसका घमंड मिट्टी में ना मिल जाए, यही है इसकी सजा। मानिकराज, मारी पेन उठा भी दो। क्या हुआ, ट्रेलर देखकर एयर निकल गई? और भी बहुत कुछ निकलेगा, पहले पेन दे दो। यही आ रही है, पतली गली से निकल चलते हैं, अच्छा रहेगा। भूल गया हम यहाँ क्यों आए, तुझे जाना है तो जा। तुम्हारा टाइम आ गया। अरे चलो चलो, पहली बार में सबको डर लगता है। बिग मैडम स्मॉल मैडम के फ्रेंड लोग हैं। हेलो मैम। तुम लोग यहाँ किस प्रोजेक्ट के लिए आए हो? शादी करवाने के लिए। इलाज करवाने के लिए। हम गरीब लोगों की सेवा करने के लिए एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं और उसी का सर्वे करने के लिए आए हैं। एक्चुअली हमें हॉस्पिटल का आइडिया अनु ने ही दिया था, उसने कहा था कि अगर गरीबों की मदद के लिए यहाँ हॉस्पिटल बने तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या ये सच है? अरे आप ही की बेटी है, भले आपसे बात नहीं करती पर आपको बहुत अच्छी तरह समझती है, आपकी तरह नहीं, जिद्दी और अकड़ू दोनों ही खून पीती है। दूसरा दो मिनट चुप रहेगा। शैलजा रेड्डी उन सबका साथ देती है जो लोगों की भलाई सोचते हैं। जब तक आपको अच्छी जगह ना मिल जाए आप यहाँ रह सकते हैं। थैंक यू मैडम। वेनु, इनके रहने का इंतजाम करो। फोन। इंतजाम हो जाएगा, मैंने पहले ही इंतजाम कर दिया है। बाप रे, तुमने मम्मी से बिना बताए इससे प्यार कर लिया और इससे सगाई भी कर ली, फिर शैलजा के होने वाले दामाद को गांव ले आई और उसे फार्म हाउस में भी ठहराया। बेचारी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। अनु से अपनी गलती की माफी मांगने के लिए मैं यहाँ खुद अपनी सास को मनाने आया था ताकि हमारी शादी हो जाए, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि फिलहाल वो जरूरी नहीं है, पहले इन दोनों को मिलाना चाहिए। बहुत अच्छे दामाद जी। सर, बॉस ने दामाद ना रूप में, आपने स्वीकार भी कर लिया? ऑलमोस्ट। थैंक यू सर। नो मेंशन। पर आपके दामाद माने से ठेंगा फर्क नहीं पड़ता है सर। जब तक शैलजा मैडम इन्हें अपना दामाद नहीं मानती तब तक कोई फायदा नहीं। इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, अनु को किसी तरह से उनका दिल जीतना होगा, इनके बीच की इस गहरी खाई को मुझे प्यार से खत्म करना होगा, और सबसे जरूरी बात उन्हें याद दिलाना होगा कि अनु को उनसे प्यार है। गुड। अगले दो दिन में एक मनहूस दिन आने वाला है, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, उसी दिन से होगा इस प्लान पर अमल।
ऐश्वर्या जी मैडम, ये सब क्या है? हैप्पी 25th वेडिंग एनिवर्सरी मैडम। आप ही ले लीजिए। लो। थैंक्स। तुम्हें कैसे पता? मानिक राज ने बताया। मानिक हमको तो खुद का बर्थडे भी याद नहीं होगा, वो क्या खाक आपका बर्थडे याद रखेगा? उल्टा वो तो हम ही से पूछ रहा था। मैंने बताया कि आज दुर्गा माता मतलब आपकी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी है। ओ, तो फिर किसने बताया? और कौन बताएगा, यहाँ एक ही तो है जो आपको सबसे ज्यादा चाहती है और दिन रात बस उसे तुम्हारी ही फिक्र छे। उठते बैठते सोते जागते बस आप ही का नाम जपती रहती है। आपकी बेटी अनु उसी ने हमें बताया। और उसने क्या कहा? और उसने हमें बताया कि वो आपको जान से भी ज्यादा प्यार करती है, भगवान से भी पहले वो आपका नाम लेती है तब जाकर वो खाने को हाथ लगाती है। आज उसका सबसे बड़ा त्योहार है, इसीलिए इस दिन को धूमधाम से मनाना चाहती है, वो भी एक नहीं तीन दिनों तक धमाल मस्ती के साथ। और तो और मैडम, सुबह मुर्गे से भी पहले उठकर उसने आपके लिए खाना भी बनाया है। मेरी बेटी सच में इतनी बड़ी हो गई, उसने ये सब मेरे लिए किया? हाँ शैलजा जी, अनु अब पूरी तरह से बदल गई है। वैसे मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सोचो इन्हें एनिवर्सरी का कैसे पता चला। मैं तो कहता हूँ आपको उससे एक बार बात करके देख लेना चाहिए। आप भी तो उसे मिस करती है ना शैलजा जी, एक बार अनु से बात कर लीजिए ना। प्लीज मैडम, एक बार उससे बात तो कर लीजिए। अच्छा चलो खाना खाते हैं। चलो चलो चलो। अरे डॉक्टर, मतलब डॉक्टर साहब, आपने बोला था ना खाली टाइम में इलाज करेंगे। हाँ, कहा तो था। बात ये है कि इमोशन का मोशन निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन बताओ ना, कभी भी ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ, तो मैं हूँ ना इलाज करने के लिए। कभी अगले साल इस वक्त बताना तो मुश्किल है। तो जाकर कमोड पर विराजमान हो जाइए, फिर पेट हिला के एक मंत्र बोलना है जो आपके सारे इमोशन को सही सॉल्यूशन दे देगा, हो गया आपका परमानेंट इलाज। तो इसी बात पर बोलो बाबा झोलरदास की जय हो। क्या बात है, बीमारी सच में ठीक होगी ना डॉक्टर? 100%। चलो आपको सवा कमोड चढ़ाऊंगा। बिल्कुल। अरे पेन तो दो। हेलो, सारे सारे बाबा झोलरदास। वेनु, हाँ। तुम तो खा चुके हो। अरे कहाँ, आपसे पहले खाने की मेरी हिम्मत। जितना पूछा उतना ही बोलो। ऐश्वर्या जी मैडम, मानिक राज कहाँ है? उन्होंने कहा था उन्हें बाहर कुछ काम है। वो खेत के बोरवेल में लीकेज प्रॉब्लम इसलिए ठीक कराने गया है। अगर बात करनी है तो मैं मैनेज कर सकता हूँ। उसके लिए मैंने मानिक राज को रखा है, चुपचाप खाना खाओ। बस पेट भर गया। अरे नाम लिया और शैतान हाजिर, मानिक राज का ही फोन है। मानिक भाई बोलो ने। कमोड पे लैंडिंग हो चुकी है सर, पेट हिला के मंत्र भी बोल दिया। नीचे देखो कुछ तो निकला होगा। नहीं कुछ नहीं निकला, अभी क्या लकड़ी से आसमान में छेद करूं निकालने के लिए? अरे दो तीन घंटा वेट कर लो, बादल जरूर बरसेंगे। और अगर नहीं बरसे तो ट्रैफिक कैसे क्लियर होगा? मानिक राज जी काम करते करते मैडम से बात कीजिए। फोन पास करो। मानिक राज मैम, अब ये दूसरे चार्जर से गलत मोबाइल क्यों चार्ज कर रहे हैं? नमस्ते मैडम, कहाँ हो तुम? वो खेत में बहुत दिन से पानी नहीं आया था ना, तो मैं धार खोलने के लिए आया था। वो बाद में भी किया जा सकता है, फौरन यहाँ आओ। मैडम टाइम पे धार नहीं खोलो तो बाढ़ आ जाएगी, बांध टूट जाएगा तो न जाने कितने लोग मर जाएंगे। उन सब पे रहम खाओ मैडम, कॉन्फ्रेंस पे ही बात कर लो ना। 1-3 मिनट रुकिए। अनु, मानिक राज जी फोन कर रहे हैं, उठाओ। हेलो बड़ी मैडम, आपका टाइम शुरू होता है अब। मानिक राज, इतनी सुबह सुबह उठ के इतना सारा खाना बनाने की क्या जरूरत थी? घर के सारे बाबरची मर गए हैं क्या? अरे बापरे, अभी खाने की बात करना जरूरी है क्या? डाइजेशन के बारे में सोचो। मानिक राज, आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, मैं चाहती थी इनके पसंद का खाना बने। मानिक राज, तुम्हें नॉनवेज खाना बनाना तो आता नहीं, फिर ये सब कैसे बनाया? मैडम मैडम प्लीज मैडम, आजकल थू ट्यूब का जमाना है, कोई भी कढ़ाई करछी लेकर कुकर बन जाता है, उस ट्रेजडी का साक्षात एग्जांपल मैं। मानिक राज बकवास बातें बंद करो, मैंने कुछ स्पेशल चीजें बनाई हैं, एक बार टेस्ट कर लो। टेस्ट तो अच्छा है पर मसाला थोड़ा ज्यादा है। निकला निकला मैम, चमत्कार हो गया। पानी पानी किधर है? अरे पॉकेट भी खाली। क्या मुसीबत है, बाहर आई तो कुआं सूख गया, अब न जाने फिर कब बारिश होगी। ये आराम से ले। अनु उन्हें मिठाई दो, मिठाई दो ना, टेस्ट बदल जाएगा। मानिक राज सब ठीक है ना? निकल रहा था लेकिन अटक गया, अब इस बांध से कोई मरे ना मरे लेकिन मेरा मरना तय है। मानिक राज पानी भी लो, ठीक हो जाएगा। घर में इतने सारे बाबरची हैं, कोई मसाला नहीं चेक कर सकता था? पापा उनकी गलती नहीं है, मैंने ही ज्यादा मसाला डाल दिया, सॉरी। अनु, मैडम उसने आज तक कभी अपने हाथों से खाना नहीं बनाया है, आज पहली बार उसने सिर्फ आप ही के लिए खाना बनाया,
दरअसल वो आपसे बहुत प्यार करती है मैडम, आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगर आप उससे जाकर बात कर लेंगी तो उसे अच्छा लगेगा, प्लीज। वेनू, कल हमें मंदिर में गौ माता की पूजा करने के लिए जाना है, तैयारी कर लो। वो रहा मनौती का पेड़ और ये रहे पंडित जी। आइए। पापा, हम यहाँ क्यों आए? दरअसल हमारी बेटी को शानदार पति मिले इसके लिए तुम्हारी माँ ने मन्नत मांगी है और उस मन्नत को पूरा करने हम यहाँ आए हैं। मन्नत जब इन्होंने मांगी है तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे, वो चाहती है मन्नत पूरी करने के लिए तुम गौ माता की पूजा करो। वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाओगे तभी तो मैं ट्रांसलेट कर पाऊंगा। अबे, ट्रांसलेटर की जरूरत औरों को है, मुझे नहीं। हम बाप बेटी के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। वेनू, माँ की क्लास से लड़ना बंद करो, ये मंदिर है, तुम लोग शांत रहोगे। नमस्कार अम्मा। ऐसा है, ये प्रार्थना आपको अपनी बेटी के कान में 3 बार कहनी होगी। उसे सुनने के बाद ये चारा आपकी बेटी गौ माता को खिलाएंगी। पंडित जी, इसके कान में कहने से मेरी मन्नत पूरी कैसे होगी? मान जाइए मैडम, अगर पंडित जी कह रहे हैं तो शायद इससे आपकी मन्नत पूरी हो जाए और अनु को भी एक अच्छा सा दूल्हा मिल जाए। पंडित जी, इस पूजा को करने का और कोई तरीका नहीं है? तरीका तो यही है, इसे बदलना अपशगुन। मानिकराज। हाँ जी मैडम जी, बोलिए। ये भगवान से नाराज हो गई तो उनकी भी शामत आ जाएगी। ओम दैत्य पूजा विद्महे बागे प्रदाय दी माही तन्नो शुक्र प्रचोदयात। अरे रे बापे, ये मंत्र मैं क्या मेरा हेवन वासी पिताजी भी नहीं बोल पाएगा, यानी नरक वासी। यहाँ तक कि ट्विंकल ट्विंकल मुझे 5वीं क्लास में पहुँचने के बाद ही याद हुआ। अगर आपकी ये प्रार्थना मैंने उल्टा पढ़ लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे मैडम। आप एक काम करो, आप इनके पास आकर वो मंत्र हवा में बोल दो, छोटी मैडम बहुत जल्दी लिसन कर लेंगी। मानिकराज जी। हाँ डॉक्टर साहब। गो बैक, गो गो गो। जी जी। मैम, आप समझ लीजिए मैं मानिकराज हूँ, जो मैसेज देंगी सीधा अनु को पास हो जाएगा। अनु, क्लोज योर आईज, कम ऑन। फिक्र मत कीजिए मैडम, बोलिए ना, आप जो कहेंगी वही रिपीट करूंगा, डोंट वरी, मुझ पर भरोसा रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द क्या है? ओम दैत्य। नहीं मैम, थोड़ा सा पास आ जाइए, थोड़ा सा पास। यस। बस जरा सा और मैम, जरा सा और। अब ठीक है, बोलिए क्या मंत्र था, जरा कानों में कहिए ना। हाँ, जरा जोर से कहिए। अभी सही वक्त है, ये लो, ये भगवान का प्रसाद है, जाकर अपनी माँ को दे दो। मुझे पूरा यकीन है कि भगवान के प्रसाद को वो मना नहीं कर पाएंगी। तो क्या इसके बाद सब ठीक हो जाएगा? कम से कम मानिकराज की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, प्रसाद देने से शायद वो थोड़ी सी बात कर ले, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओके, आ रही है, दे दो। वेनू जी, तुम उसे ले आना। ये लीजिए प्रसाद। ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए ना। मैडम मैडम, गिव हियर, आई विल फॉरवर्ड। ले लीजिए, ये भगवान का प्रसाद है, इसे मना करना अच्छा नहीं होता। ये हरकत कहाँ से सीखी मानिकराज? मुझे सिखाएगा कोई? मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही हूँ, प्रसाद दे रही हूँ। ले लीजिए ना। मेरे लिए सब कुछ भुलाना इतना आसान नहीं है, मैं शैलजा रेड्डी हूँ। अरे मैडम, गुस्सा मत कीजिए, भगवान का प्रसाद है, ले लीजिए ना। नहीं लिया तो? अगर प्रसाद ले लेंगे तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता। अरे ऐसा मत करो प्रसाद। अनु, अनु बेटा, इस लड़की में कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसी वजह से हम अलग हुए हैं, बता देना उसे। मैडम सुनिए तो। बरखुरदार, ये शैलजा रेड्डी है, एक छोटी सी बात की वजह से उसने 5 साल तक अनु से बात नहीं की, तुम्हें क्या लगता है अब ये सब करने से वो मान जाएगी और उसमें और अनु में सुलह हो जाएगी? नेवर। तुम जितनी ज्यादा कोशिश करोगे दोनों का ईगो उतना ही बढ़ता जाएगा, एक उत्तर है तो दूसरा दक्षिण, इनका मिलन नहीं हो पाएगा,
ये मेहनत बेकार है। तुम्हारा प्यार माँ बेटी के ईगो के बीच में दबकर घुट जाएगा। लो प्रसाद खाओ। थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। एक मिनट मैम, मैम आप यहां से क्यों आ रही हैं? आप तो उस तरफ बैठी हैं ना, वहीं जाइए, यहां बैठ जाओ और आराम से। हाँ मैम, मैम मेरी बात तो सुनिए। अनु, अनु तुम तो समझाओ। मैम आप देखिए ना, ये समझ जाएगी। मैम मैम, अरे अनु, ये क्या तमाशा है? तुम्हें कुछ अक्ल है कि नहीं? नहीं तो बहुत बुरा होगा। कुछ बोलते क्यों नहीं? समझते क्या अपने आप को? मुझे जानते नहीं हो तुम, समझे? तेरी जगह मैं होता ना तो शैलजा से बदला जरूर लेता। मैं भी यही चाहता हूँ, बस मौके का इंतजार है। ए जगह, देख शैलजा का दामाद है। मानिकराज देखा कैसे? अनु मैम को पूछो, ये कलर बहुत अच्छा है। देख लो, ये अच्छा है। हाँ बोलो ना। अरे अरे ये वाला पूछो, ये वाला, ये अरे लाओ ना, हटो, अरे आओ ना। हेलो भैया, कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, किसी तरह अपनी शादी बचा रहा हूँ। ये क्या चैतन्य, यहाँ बहन घर पे कुंवारी बैठी है और तुम्हें अपनी शादी की फिक्र है? अरे मेरी प्यारी बहन, यहाँ मेरी शादी होगी या नहीं वही नहीं समझ में आ रहा। तुम पहले या मैं पहले करके क्या फायदा है? पहले जाकर लड़का तो ढूंढो। इसमें ढूंढना क्या है भैया, ऑलरेडी रेडीमेड है। लो बात करो। व्हाट, ये तो 4G स्पीड निकली। हेलो हेलो तालेताब, कहते हैं। तू तो बुलेट ट्रेन निकला भाई। तालेताब हमारी बनपली मोटर को धक्का लगा दे देना प्लीज। ठीक है, जाकर पापा से मिल लो, अगर वो थोड़ा डांटेंगे तो डांट खा लेना, नो बिग डील। फिर एक हफ्ते बाद जाकर दोबारा मिल लेना, वो दोबारा डांटेंगे, डांट खा लेना। आखिर में वो डांट के थक जाएंगे, तब उनके पैरों में गिर जाना, उनका ईगो शांत हो जाएगा, उन्हें तुम पर तरस आएगा। अगर ततुर्जी नहीं माने तो? अब इसके बाद क्या होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी तो नहीं है ना। बाकी जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगा, बस तुम दादी कलवा दो। ओके ओके बाय, टेक केयर। मेरी बहन तो मुझसे दो कदम आगे निकली, उसे ऑलरेडी कोई मिल गया है। यहाँ खुद की शादी की मुश्किल है और वहाँ बहन की शादी की मुश्किल। मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कोई आ जाएगा? बात आए तो आने दो, तुम्हारी माँ ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। सो व्हाट। आपने डॉक्टर को बुलाया था ना, वो आ गए। आप लोग सब खाना खाइए, मैं बस अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। हाय, आपने मुझे बुलाया मैम। वो लड़का कैसा लग रहा है तुम्हें? अच्छा ही लग रहा है मैम, एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम उस लड़के में नहीं, हमारी बेटी अनु में है। वो एक डॉक्टर है, अपने परिवार के साथ अनु के लिए रिश्ता लेकर आया है। मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं नहीं चाहती कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। अनु को मैं इसके बारे में पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। अब अगर मैंने उससे पूछा और उसने मना किया तो मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूंगी। सही कहा। तो, सॉरी मैम, वन मिनट, सॉरी मैम। हेलो हेलो, आज डेट क्या है? 18th है, यही पूछने के लिए कॉल किया है।
मैंने याद दिलाने के लिए कॉल किया है। शादी के लिए जो डेट मैंने डिसाइड की है उसमें सिर्फ एक हफ्ता बचा है। ए, उस तरफ जा। अगर तुम शैलजा रेड्डी को नहीं मना पा रहे हो तो वापस आ जाओ, मैं किसी और से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। आ जाओ घर। हाँ, ओके पापा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी सम टाइम। उससे टाइम मत मांगो, दैट्स व्हाट वी डोंट हैव। शादी में सिर्फ तुम्हारी भलाई नहीं बल्कि हम सबकी भलाई है। मेरे बताए हुए दिन पर ही शादी होनी चाहिए, दैट्स इट। ओके पापा, हाँ श्योर, हो जाएगी। कौन था? पापा थे, 25 को किसी की शादी है तो वो मुझे आने को कह रहे थे। तो तुम अपनी दोस्त की सगाई पे नहीं आ पाओगे? मेरी दोस्त कौन मैम? तुम्हारी दोस्त अनु की। इसी 25 को तो हमने उसकी सगाई तय की है। लेकिन अब तक उसने हाँ तो नहीं कहा है ना? तो मनाओ उसे। पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे और करीब बच्चों के दोस्त होते हैं, इसीलिए अनु तुम्हारी बात मान लेगी। और अगर तुम्हारी बात नहीं मानी तो उसे मनाने के तरीके है मेरे पास, बता देना उसे। केटली ठंडी हवा छे और आपकी जिंदगी में आग लगी पड़ी है। पापा का ईगो शांत करने के लिए आपको अनु से शादी करनी पड़ेगी, पर अनु से शादी करने के लिए आपको उसकी माँ का ईगो शांत करना पड़ेगा। एक मगरमच्छ है तो दूसरा एनाकोंडा है। एक से भले ही बच सकते हैं लेकिन दूसरे से बचना नामुमकिन है। कभी कभी तो मुझे आपको देखकर बहुत तरस आता है बॉस, पर धीरज रखो, आपकी शादी की पुंगी बजा कर ही रहेंगे। 25 तक अगर अनु की घमंडी माँ नहीं मानी ना तो अनु को किडनैप करके मंदिर में शादी कराएंगे और बारात में भूखे नंगों को बुलाएंगे और फ्री में हमें बहुत सारे गवाह भी मिल जाएंगे। सुबह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है चारी, तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए पहले मुझे अनु से जाकर मिलना होगा। तो उसे कॉल करके बुला लो ना बॉस। कब से ट्राई तो कर रहा हूँ, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं ऐसे लोग फोन रखते ही क्यों है। एक काम करते हैं बॉस, हम उसके घर की बिजली काट देते हैं, फिर आप उसके रूम में जाकर आराम से बात कर लो। हैप्पी। सास वास कोई नहीं है, रास्ता साफ है। ये मेरा लगता है कमरा एक्सचेंज हो गया है। अरे ये वहां क्यों जा रही है? खबर न थी। तूने क्या किया? मैंने तो बस ऐसे किया था, डरा दिया ना उसे। जाओ जाकर लेकर आऊं। जाऊं और नहीं तो क्या? टाइम वेस्ट मत करो, जाओ। ओके सर। मेरे रूम में बहुत गर्मी है तो मैं सो नहीं पा रही। गांडा थी गयो, आ तो एनाकोंडा सोई छे। माफ करना एनाकोंडा। जय बजरंगबली, तोड़ दे दुश्मन की नली। बैंग बैंग बैंग। ए डॉक्टर, सुनामी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, मजबूर होके फोन करना पड़ा। इस गरीब पे तरस खाओ ना। तुमने बाबा झोलरदास के पेन से जो मंत्र लिखा था ना, उसे भी मैंने पढ़ लिया। ये क्या झमेला? सॉल्यूशन दूर करने के बजाय ये चूहे की आवाज निकाल रहा है। ये डॉक्टर पहले इलेक्ट्रिशियन थे क्या? फोन काट रहे। पहले तो मैडम बीच में आ गई, पर अब तो मैं अकेला हूँ ना। अरे कुछ करना। अरे तू बाबा झोलरदास का चेला है, तेरे लिए मामूली बात है। बस एक बार ठीक कर दे, उसके बाद देख मैं तुझे कैसे ठीक करता हूँ। अरे इस तूफान में तू ही एक सहारा है, बाबा झोलरदास के पेन को हिलाना। इसने तो फिर फोन बंद कर दिया। बस बहुत हुआ, अब होगा पेशेंट और डॉक्टर का संगम। जाओ।
मम्मी जाग जाएंगी। इसके चलो तुम जाओ। मैं परेशान हो रही हूँ, नींद खराब हो रही है मेरी। किसी को नींद नहीं आ रही तो अपने कमरे में जाके सोए। ना सोते हैं ना सोने देते हैं। आधी रात को यहाँ क्यों बुलाया मुझे? अगर मम्मी जा गई तो नींद नहीं आ रही है क्या? दिमाग में इतना टेंशन हो तो नींद कहाँ से आने वाली है? चलो, आज या तो डॉक्टर की डिग्री गायब होगी या मेरा लीकेज ठीक होगा। इतनी गर्मी में भी चद्दर ओढ़ के सो रही है? ये चादर मेरी है, मेरी चादर, मेरी मर्जी के बगैर कोई नहीं ओढ़ सकता। ये तो हद हो गई, मेरी बिल्ली मुझी को ब्याह। ये इसे क्या हो गया? कहीं इस पर काला साया तो नहीं चढ़ गया? अरे बाप रे! क्या बे, मैं तुझे ढूंढने के लिए पूरा घर छान मारा और तू यहाँ है? मेरे दर्द की कोई दवा नहीं? अब तो तू डॉक्टर कम प्लम्बर ज्यादा दिखता है। चुप रहे ना, मरवाएगा क्या? क्या चुप रहा हूँ, अंदर ज्वालामुखी फट रहा है, एक महीने से ठीक से नहीं खा पाया हूँ। अरे जब पुराना माल निकलेगा तभी तो नए माल की एंट्री होगी। ठीक कर दे, पापी पेट का सवाल है। अरे मानिकरा शांत हो जाओ, और मुझे सबसे पहले तुम एक बात बताओ, तुमने अपनी पूरी जी जान लगा दी थी उसके लिए? कमोड पर अच्छी तरह विराजमान होके मैंने उस मंत्र को हजार बार पढ़ा, उसके बाद गबड़ गबड़ करके अपना पेट हिलाया, कोई भी मटेरियल बाहर नहीं निकला। अगर तूने बीमारी ठीक नहीं की तो देख मैं तेरा क्या हाल। बच्चा दिखता हूँ, सुसु करे। शांत हो मानिकराज, ये पेन ले लो। अब इस पेन का क्या करूँ? पहली बार तुम्हारा इलाज नहीं हुआ था ना, अब जरूर होगा। चलो झुको, झुको, झुक जाओ, झुको। अब मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करो। मंत्र पढ़ के आसमान में छेद करूँ? छेद हो जा, छेद हो जा, छेद हो जा आसमान में। मानिकराज जी मैडम, आधी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो आसमान में छेद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अनु अभी अभी यहाँ से गई है, उसे ढूंढने में मदद करो। अजीब सी हरकतें कर रही थी। तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ मैडम। गुड आफ्टरनून मैडम। ये क्या मजाक है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं अपना चमत्कारी पेन लेने आया था, बाबा झोलरदास ने वो चमत्कारी पेन मुझे गिफ्ट में दिया था। ओह, मेरी पेन आपके पास है, थैंक यू सर। ये ला पेन मुझे दे, आज आसमान में छेद करके रहूंगा और उसके बाद मेरी फीस याद है मैम। छेद कर, छेद कर, छेद। क्या हुआ चारी, यहाँ ऐसे अकेले क्यों खड़ी हो? सुखी तू खड़ी छे, आप मेरा जेंडर भूल गई? क्या हुआ मैडम, आप स्टैचू बन के क्यों खड़ी हैं? मुझे ऊपर गर्मी लग रही थी इसलिए खुली हवा में आ गई। अच्छा तो हवा खाकर पेट भर रही है, तुम्हें चाहिए ना, सोई जाओ मैडम। क्या मुसीबत है, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो, जाके देखो लाइट को क्या हुआ है। जी मैडम। अभी भाई मेरा पेन, छेद कर, छेद कर, उसमें रिफिल नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो चैतन्य, अगर तुम्हें मम्मी ने देख लिया होता तो? अनु सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही मंदिर में मन्नत पूरी कराने नहीं ले आई है, वो चाहती है कि तुम इस फार्म हाउस ओनर के बेटे से शादी कर लो। बचने का कोई तो रास्ता होगा। अनु अगर तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगी तो बात और बिगड़ती ही चली जाएगी, कल सुबह सबसे पहले तुम उनसे सॉरी कह के उनसे माफी मांग लेना। अगर उन्हें लगेगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो तुमसे बात कर लेंगी, फिर उन्हें हमारे बारे में बताकर मैं किसी भी तरह से कन्विंस कर लूंगा, ट्रस्ट मी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है इसलिए मैं उनसे माफी नहीं मांगने वाली। मूव। अनु अरे छोड़ी दो ना बॉस, उसने आपकी शादी के लिए आपके पापा के पैर पड़ने से मना कर दिया था तो अपनी माँ से माफी कहाँ से मांगेगी। सपना देखना छोड़ दो बॉस और जमीन पर आ जाओ, सुबह सुबह जब भगवान का मंदिर खुलेगा ना तो दिल से प्रार्थना करना, वही आपकी नैया पार लगा सकते हैं। जय माता दी। मेरे प्लान के मुताबिक चलते ना बॉस तो लाठी भी नहीं टूटेगी। और है ना कुंडा, क्या कह रहे थे चारी? कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही बात कर रहे थे। अनु बचपन के बारे में कुछ बता रही थी, वही कह रहा था वो। ओह और क्या कहा था? बॉस अभी नहीं बात, कुछ नहीं होगा, बताने देना। ठीक छे। उसके पैदा होने से पहले आपने लड़की की मन्नत मांगी थी ना? ओह उसे अब तक ये बात याद है? कैसे याद नहीं होगी मैम,
वो आज इस मंदिर में यही मन्नत मांगने आई है कि आप दोनों में जो झगड़ा है वो यही खत्म हो जाए और आप दोनों फिर से एक दूसरे से पहले जैसी बातें करने लगे। वो मुझसे माफ़ी मांग सकती थी, मैं माफ़ी देने से मना थोड़ी कर देती, आखिर मैं उसकी माँ ही तो हूँ। वो आपकी सारी बातें मानने को तैयार है, लेकिन वो चाहती है कि आप भी उसकी सारी बातें समझने की कोशिश करें। यस मैम, वो उस लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार है जिसे आपने उनके लिए चुना है। मैम, ऐसा कहते हैं कि एक माँ से ज्यादा उसके बच्चों को और कोई प्यार नहीं करता, और अगर ये बात सच है और आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं तो जाकर उससे बात कर लीजिए प्लीज। मतलब अगर आप चाहें तो उसे एक मैसेज भेज सकती हैं कि अनु आई वांट टू टॉक टू यू, बस शायद वो मैसेज पढ़कर खुद ही आपसे बात करने आ जाए, इससे आपका ईगो भी हर्ट नहीं होगा। मैम, अनु आपके सामने ही है शैलजा जी, उसकी शादी की खातिर एक मैसेज आपको उसे करना ही चाहिए, मेरी बात मानिए। चाहती है। आपका टाइम आएगा। थैंक यू सो मच। टाइमिंग गलत हो गया। अनु, अनु, ये मैं हूँ चैतन्य। तुम्हारी मम्मी तो वहाँ खड़ी है। शायद तुमने अपनी मम्मी समझकर मुझे ही गले लगा लिया, लेकिन वो तो वहाँ पर हैं। आप भी ना मैडम, माँ से बात होने की खुशी में इनका हक ही पूरी तरह से भटक गया। इनको तो अपने बेस्ट फ्रेंड में भी अपनी माँ का रूप दिखने लगा। इसे कहते हैं माँ के लिए बेटी का सच्चा प्यार। अनु, टाइम वेस्ट मत करो, जाकर उनसे बात कर लो। वाह 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 वाह, इसने यहाँ भी नाटक शुरू कर दिया। इस हैप्पी सिचुएशन में विलेन की एंट्री कहाँ से हो गई? अब खड़े खड़े मुंह देखेंगे या कुछ बकेंगे भी? Who are तू? इसकी बहन के साथ मेरे बेटे की पिछले महीने सगाई होने वाली थी और मैं इसका अंकल बनने वाला था। पर बने तो नहीं ना। अब आप क्या चाहते हैं? ज्यादा कुछ नहीं, बस शैलजा जी से बात करना चाहता हूँ। मैं हूँ शैलजा, क्या बात है? ये लड़का और आपकी बेटी अनु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि आपकी मर्जी के बिना इन दोनों ने सगाई भी कर ली है। दोनों ने 25 तारीख को शादी करने का फैसला लिया है और इसके पापा ने ये सब कुछ अनाउंस भी कर दिया है। हे, तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मैं जानता था आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत साथ में लाया हूँ। ये देखिए, गौर फरमाइए अच्छी तरह से। बड़ी अजीब बात है, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सब सच्चाई जानते हैं, बस आप ही नहीं जानती। तुम लोग चुप क्यों हो? बोलो ना भाई। हाँ माँ, मुझे इस बारे में पता था, लेकिन अनु ने खुदकुशी की धमकी दी थी, इसलिए मैंने आपको। मैम प्लीज मेरी बात सुनिए, लेट मी एक्सप्लेन। मैम प्लीज, मैम प्लीज मेरी बात तो सुनिए। मैम, मैम सुनिए मैम। ये तू जानता है मुझसे झूठ बोलने का अंजाम क्या है? मेरी बेटी बराबर की जिम्मेदार है, इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना मैं यही तुझे जिंदा गाड़ देती। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुझे आधे घंटे का वक्त देती हूँ, अगर आज के बाद तू यहाँ कहीं भी दिखा तो सच में तुझे गाड़ दूंगी। तुम बाप के नाम पे कलंक हो। अब चलते हैं।
शैलजा जी मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर इसे अपनी माँ की ही इज्जत नहीं है, ना ही परिवार की मान सम्मान की इज्जत है, इसे नफरत है मुझसे, ये मुझसे दूर रहना चाहती है, तो इसे डांट कर कोई फायदा नहीं। मुझे लगा मेरी बेटी में बहुत घमंड है, पर वो तो झूठ बोलना भी सीख गई। इसने बिना पूछे अपनी सगाई कर ली, क्योंकि इसकी नजर में अपनी माँ की कोई कीमत ही नहीं। 5 साल पहले भी इसने मुझे बेइज्जत किया, इसीलिए मैंने इससे बात करनी बंद कर दी थी। इसकी शादी के लिए मैंने एक से एक लायक लड़के ढूंढे, डॉक्टर ढूंढा, वकील ढूंढा, इसने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इस लड़के के लिए तूने मुझे धोखा दिया? हाँ? शैलजा रेड्डी का नाम सुनते ही दुश्मनों की रूह कांप जाती है, लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरा अस्तित्व बिठा दिया। शैलजा जी, मैंने कभी आपके खिलाफ कुछ नहीं कहा, मेरी बात मानिए, ये आपकी बेटी है, आपको कभी धोखा नहीं देगी, क्योंकि ये आपसे प्यार करती है, ठीक वैसे ही जैसे आप इससे प्यार करती हैं। अगर ये मुझसे प्यार करती है, तो इससे कहो कि मेरी हर कही हुई बात को मान ले, बिना किसी घमंड और जिद के। इसने कहा कि मुझे आर्ट पढ़ना है और हमने इसे पढ़ने दिया। अब इससे कहो कि चुपचाप मेरा कहना माने, जिसे मैंने चुना है उससे शादी करे। पर उसकी मर्जी के बिना ये नहीं। कहनो, जबान लड़ाते हो। शैलजा, मुझे देखकर कुछ याद आया? पिछले कई हफ्तों से मुझे इसी पल का बेसब्री से इंतजार था, और आखिर वो पल आ ही गया। आज पुराना हिसाब चुकता कर लेते हैं। एक राज की बात बताऊं? मैंने अपनी बीवी और अपनी माँ को अपने यादों से काट के नदी में फेंक दिया। हाँ, तंग आ चुका था मैं उनके झगड़े से, और आज तेरे भी टुकड़े करके मैं तुझे भी उन्हीं के पास पहुँचाऊंगा। शैलजा रेड्डी वो शेरनी है जिसे तेरे जैसा कायर कभी नहीं मार सकता। आ, मार मुझे, देखती हूँ कितना दम है। आजा। वैसे भी इसके मर जाने से तो तेरा भी फायदा होगा। ए, मैं अपने फायदे के लिए नहीं आया था। मैंने अनु से वादा किया था कि उसके परिवार पर कोई भी मुसीबत आए, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा, और मैं वादा नहीं तोड़ता। जैसी तेरी मर्जी, अब तेरा भी खेल खत्म।
यहाँ से चलो मम्मी। अनु, मम्मी को पानी दे दो। नहीं चाहिए मुझे। जिसे पीना होगा पी लेगा। शैलजा जी, ये चोट कैसे लगी? मानिकराज कहाँ है? पापा, मानिकराज कहाँ है? मानिकराज कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? फिर से नाटक शुरू करना है क्या? अनोखा माँ बेटी का रिश्ता है। मुझे नहीं लगता दुनिया में आप जैसे और नमूने होंगे। आप दोनों ही कहती है ना कि एक दूसरे से प्यार करती हैं। तो जब प्यार दिखाने की बात आती है, प्यार खिड़की से बाहर जाता है और घमंड टेक ओवर कर लेता है। तुम अपनी मां के लिए अपने हाथों से खाना बना सकती हो, लेकिन उन्हें खाना परोस नहीं सकती। आप अपनी अलमारी में इसके लिए डायमंड नेकलेस रख सकती हैं, लेकिन एक बार प्यार से इसे पहनाएंगी नहीं। प्यार तब तक नहीं दिखता जब तक उसे जताया नहीं जाता। अपनों को प्यार दिखाने में घमंड किस बात का? जब दो लोगों में प्यार होता है तो उनके बीच कोई नहीं आ सकता, लेकिन उनमें दूरी आए तो उन्हीं का दोष होता है। आपने एक बार बात करके उसे प्यार से समझाया होता कि परिवार के सामने घमंड कोई मायने नहीं रखता। मां से बढ़कर कोई टीचर होती है क्या? गरीब लोगों की मदद करने के लिए आपने मन ही मन एक हॉस्पिटल खोलने का फैसला कर लिया था, लेकिन ईगो के चलते बेटी को जबरदस्ती डॉक्टर क्यों बनवाना था? और मान लिया आपकी बेटी डॉक्टर भी बन जाती और एक हॉस्पिटल भी खोल लेती, ये पक्का अपने पेशेंट्स को मार देती। आपको लगता है कि इसमें डॉक्टर बनने के गुण हैं? और क्योंकि आपने इसे इस तरह से पाला है, इसीलिए मैं खुद इस रिश्ते को ना कहता हूं। मुझे लगा था मुझसे प्यार करने के बाद यह जरा सी बदल जाएगी। ये तो अपने गुस्से की वजह से, जिस मां ने उसे जन्म दिया उस मां तक से बात करने को तैयार नहीं। जो लड़की अपनी मां की इज्जत नहीं कर सकती, वो अपने पति की इज्जत क्या करेगी? और जो पत्नी पति की इज्जत ही ना करे, वो दामाद की इज्जत क्या करेगी? पहले ही लाइफ में 20 सालों से अपने घमंडी बाप को झेल रहा हूं, मेरे लिए उतना ही काफी है। उनके घमंड की वजह से मेरी बहन की शादी रुक गई, लेकिन उस इंसान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं और घमंड नहीं झेल सकता। और हां, एक बात और, अगर मेरी वजह से आप अपनी बेटी से नाराज हैं तो ऐसा मत कीजिए, मैं आपको फिर कभी नहीं देखूंगा। जो शैलजा रेड्डी किसी औरत की तकलीफ नहीं देख पाती, उसे अपनी ही बेटी की तकलीफें नजर नहीं आ रही हैं। दुनिया भर के मसले सुलझाने से पहले आपको अपने ही घर की मुसीबतों पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज।
हेलो, यहाँ तहलका मचाकर वहाँ चैन के दिन गुजार रहे हो? हाँ, व्हाट नॉनसेंस, कौन बोल रहे? फोन पर मेरा नाम देखकर भी नाम पूछ रहे हो? तुम्हारा बेटा बिल्कुल सही कह रहा था, तुम सच में बहुत घमंडी हो। ए! मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। ए, शांतिका, शांतिका! चिल्लाओ मत, वो मेरे पास है। तुमने मुझसे बिना पूछे मेरी बेटी की सगाई करवाई थी ना, अब आज मेरी बारी है। तेरी बेटी की शादी उसके प्रेमी से करवाने जा रही हूँ, हिम्मत है तो आके रोक ले। सुना है तेरा घमंड बहुत बड़ा है, जरा मैं भी तो देखूं तेरा ये घमंड, ये शादी रोक भी पाता है या नहीं। ये क्या है शैलजा जी, मैंने आपको ये सारी जानकारी इसलिए नहीं दी थी ताकि आप मेरे बेटे की शादी उसकी बेटी से करवा दें। देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि आप इस लड़के के बाप को सजा दें जिसने मेरे बेटे का अपमान किया है। चलो यहाँ से। लेकिन पापा, चल। किधर जा रहा है? पहले परमिशन ले। निकाल तेरी तो। क्या हुआ शैलजा जी, मुझे धमकी दे रहे? आपको मालूम भी है मैं कौन हूँ? मम्मी, दौड़ते लग गई क्या? तौली झापड़ उसने मारा, सॉरी तुम कह रहे हो? शंकर, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है, थप्पड़ का प्रोड्यूसर यही तो नहीं? अम्मा, दलदल उत्तगाई में तैतन्या का कोई हाथ नहीं है, ये उसके पापा का काम है। मेरे पापा ने उसके पापा को बलकाया और उन्होंने कुत्ते में तगाई करवा दी। मैं भी तैतन्या की बहन थे, तादी करने के बाद आप थे, उन दोनों की तादी की बात करने आने ही वाला था, लेकिन मुझे बहुत देर हो गई, अब आप ही तब तमाल सकती हैं। अरे कब तक घूरता रहेगा इसे, चल नहीं तो और जूते पड़ेंगे। हेलो। ए चैतन्या, तूने मुझसे कहा क्या था और हो क्या रहा है? तूने कहा था शैलजा रेड्डी को तो अपनी शादी के लिए मनाएगा, पर तूने उसे मेरी बेटी की शादी कराने के लिए भड़का दिया। अपनी प्रॉब्लम दूर करने के लिए तूने मेरी प्रॉब्लम बढ़ा दी। डैड, मैंने उन्हें शांति को यहाँ लाने नहीं कहा था, मैंने तो उन्हें गुस्से में सब सच बता दिया था। शायद उन्हें बुरा लगा हो इसीलिए वो ये सब कर रही है, लेकिन मैं इससे खुश हूँ। शायद किस्मत यही चाहती है कि मेरी बहन की शादी शैलजा रेड्डी के हाथों हो और इसीलिए अनु मेरी जिंदगी में आई होगी। अपनी जबान पर लगाम लगा वरना मैं तेरी खाल खींच लूंगा। खींच लीजिएगा, पर ऐसा करने से ये शादी नहीं रुकने वाली है। आज आपके बदले मैं इसका बाप बनकर इस शादी की सारी रस्में पूरी करूंगा, यहाँ तक कि शांति का कन्यादान भी मैं ही करवाऊंगा। डैड, आपके चिल्लाने से ये शादी नहीं रुकने वाली है, अगर शादी रोकनी है तो आपको यहाँ आना होगा। फोन काट दिया? तुम्हारी बेटी की शादी? हाँ, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। तुम हमेशा मुझे क्यों सताते रहते हो? हाय माँ। ये देखिए जी, आपका दामाद। नमस्ते चतुर्जी, कहाँ हैं आप लोग, कब आएंगे? आप फोन दो मुझे, बात करूं। मेरा फोन फेंक दिया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। बंद करो ये नाटक। रुक जाइए डैड, हाथ मत लगाइए उसे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चुप रहो, गलती इसकी नहीं है, गलती इसकी है, इस नालायक की। सारी सारी फसाद की जड़ यही है। तुझे तो मार डालूंगा। How dare you? हाथ हटाओ। तुम जानते भी हो तुम किसे धमका रहे हो? ये शैलजा रेड्डी का दामाद है। Hey, do you know who I am? अगर ना पता हो तो पता कर लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ सिर्फ मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ पर जो भी मेरी मर्जी के बगैर जबान चलाता है तो उसकी जबान काट ली जाती है। जानते हो, तुमने अनु के साथ जो किया उसे सुनकर मेरा खून खौल उठा था। इसके लिए मैं तुमसे बदला लेना चाहती थी, पर ऐसा करने से तुम्हारे बेटे ने मुझे मना कर दिया। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए। शिवा, चैतन्या के पिता के आने से पहले इनकी शादी करवा दो। मुझे मंजूर नहीं है। हाँ, मैं चाहता हूं कि इनकी शादी हो, लेकिन अपने मॉम डैड के बगैर अगर इसकी शादी करवा दूंगा तो मुझसे बुरा बेटा कोई नहीं होगा।
लेकिन तुम तो अपने डैड से नाराज हो ना? नाराज होने की वजह ये नहीं है, मैं तो चाहता था कि उन्हें किसी तरह गुस्सा दिलाऊं और इस शादी तक उन्हें लेकर आ जाऊं। उनके बिना शादी करवा के मैं अपने मॉम डैड के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अगर भागकर ही शादी करनी होती तो फिर मैं और मेरी बहन शांति अपनी अपनी शादी कब की करा चुके होते। फिर मुझे आपको मेरी शादी के लिए और डैड को बहन की शादी के लिए मनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। अपने बच्चों की शादी कराना माँ बाप के लिए कितनी बड़ी बात होती है, और यह खुशी का मौका उनकी जिंदगी में एक ही बार आता है, और उन्हें अपनी शादी में शामिल करना हमारी जिम्मेदारी होती है। ये हम सिर्फ अपनी खुशी के लिए नहीं करते, इसमें शामिल होना उनका हक है। उन्हें उस दिन उनके हक की खुशी और इज्जत मिलनी ही चाहिए। अब आप ही बताइए, ऐसा बेटा पाकर किसी बाप को उस पर नाज नहीं होगा क्या? इसीलिए चैतन्य के कहने पर मैंने शांति की शादी नहीं करवाई। ये चाहता है कि आप उन्हें आशीर्वाद दें। ये सिर्फ इतना चाहते हैं, इन्हें इनके प्यार से पहले आपका आशीर्वाद मिले। ये आपके मान सम्मान के लिए अपना प्यार कुर्बान करने चले थे। अभी देर नहीं हुई है डैड, अगर आप अपनी इजाजत नहीं देंगे तो ये शादी नहीं होगी। हाँ पापा, अगर आप नहीं चाहते तो हम शादी नहीं करेंगे। क्या बात है डैड, आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको कभी नीचा दिखाऊंगा? मैं सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूं। जब आप खुशी खुशी इस शादी को मंजूर कर लेंगे सिर्फ तभी हम अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। I'm sorry. आपकी बेटी के साथ ऐसा करके मैंने बहुत बड़ी। आप माफी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। अपनों से माफी कैसे समझीजिए? आज इस खुशी के मौके पर मेरी बेटी का रिश्ता इसके साथ करके उसे अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे ना? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप मेरे बेटे को अपने परिवार का हिस्सा बनाइए प्लीज। जोयो तो मिलोगे, मगरमच्छ और एनाकोंडा का मिलन हो ही गया। अगर प्यार चाहे तो किसी को भी मिला सकता है। हेलो, सिर्फ आप दोनों की मंजूरी होने से कुछ नहीं होगा। वो बहुत घमंडी है, बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मुझे शादी नहीं करनी। अबे चुप कर, जब हम बदल गए तो वो भी बदलेगी। अरे बहू रानी तैयार हो जाओ, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। रुको एक मिनट, ये मुझे पहनाने दो। मैंने वादा किया था ना। नहीं नहीं, इसे देखो जरा। क्या हुआ? मेरी बेटी, मेरी जान का टुकड़ा, वो जा रही है। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। रोते नहीं, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। अरे ठीक से डालो ना पानी। कई दिनों से नहाए नहीं हो। अरे फिर रोक दिया। अरे घसो घसो, तो ही मलाई मल से मलाई। अरे डालते जाओ ना। डालो डालो, अभी पानी में भी कंजूसी करोगे। देखते ताप कलो। शंकर राव, हाय यार।